हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा सेशन है वो निम्सेट 24 एक्चुअल पेपर का सॉल्यूशन है। आज के सेशन में मैं मैथ्स का सॉल्यूशन दूंगा, फिर एक सेशन में एलआर का सॉल्यूशन दूंगा और कंप्यूटर का भी आपको मिलेगा। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें उस पेपर को जानना जरूरी है। 24 का जो पेपर था निम्सेट का, ये सेशन जो है बेसिकली किन किन बच्चों के लिए काम का, जो 25 के लिए निम्सेट देने वाले, 26 के लिए निम्सेट देने वाले या आगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले, नंबर वन थिंग। आप CUT का भी पेपर देने वाले हैं तो भी ये सेशन बहुत यूजफुल है। और जो बच्चों ने ड्रॉप लिया है स्पेशली, उन सभी बच्चों को बोलूंगा ये सेशन आप पूरा जरूर देखिएगा टिल एंड, क्योंकि इस सेशन से आप 25 के टॉप रैंक अचीव कर सकते हैं अगर आपने चीजों को समझा। 24 का पेपर ऐसा पेपर था जो अभी तक भी कई लोग नहीं समझ पाए। इनफैक्ट जब मैं देखता हूं इंपिटस गुरुकुल में, जब बच्चे ज्वाइन करते हैं ड्रॉपर, मैं पूछता हूं 24 का पेपर सॉल्व किया? अगेन ड्रॉप लेने से पहले एक बार अच्छे से असेस करो, नहीं सर मन नहीं हो रहा, हिम्मत नहीं हो रही पेपर खोलने की। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अटेम्प्ट बहुत कम थे मैथ्स के, क्या वाकई में ऐसा पेपर था या पेपर बहुत टफ था या इस पेपर के लिए बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करने थे, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तो यदि आपका टारगेट निम्सेट में टॉप रैंक अचीव करना है तो पहले जानिए तो, और इम्पिटस गुरुकुल के साथ आप बहुत सारी चीजें अलग एंगल से जान पाते हैं, बहुत सारी चीजों को अलग लेवल पे समझ पाते हैं। जोड़िए उनसे जो आपको नॉलेज दें, मैं हमेशा ये बोलूंगा आप इम्पिटस के साथ जुड़े, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपके काम की। तो ये जो सेशन है, इस सेशन में मैं पहले तो आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट रैंक के कितने मार्क्स थे, उसने मैथ्स में कितने अटेम्प्ट किए, फिर टॉप 10 में जो बच्चे थे उनके नंबर्स क्या थे, टॉप 100 में क्या थे, टॉप 200 में क्या थे, टॉप 300 में क्या थे, टॉप 400 में क्या थे, यानी आपको ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसकी जरूरत है वो सब इस सेशन के साथ मैं आपको दूंगा और स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो आप लोग इस सेशन को प्रॉपरली, पहले तो आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और बल्कि आपको मैं बोलूंगा डाउनलोड करने की जगह आप इस टेस्ट पेपर को भी दीजिए। आप इम्पिटस के बैच में, इम्पिटस के ऐप पर जाइए और उसका भी लिंक दिया है, आधार बैच से जुड़िए जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। और सबसे पहले मैं बोलूंगा इस सेशन के, आप निम्सेट 24 का पेपर भले ही पहले दिया हो दोबारा दीजिए और फिर इस पेपर के एनालिसिस को अटेंड करिए, आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। मिसगाइड ज्यादा किया जा रहा है, आप इम्पिटस के साथ है, यहां पे आपको गाइड किया जाएगा, मिसगाइड नहीं। आज पिछले साल कई बच्चों को 24 के एग्जाम के पहले कुछ लोगों ने इतना ज्यादा मिसगाइड कर दिया कि जो बच्चा अच्छा भला पढ़ाई कर रहा था वो भी अपने ट्रैक से उतर गया। आप लोगों के पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आप पैनिक मत होइए, पहले जानिए समझिए, खुद को असेस करिए एंड देन उसके बाद आप प्रिपरेशन करेंगे तो सही प्रिपरेशन होगी। कहां पढ़ना है, कहां ज्वाइन करना है, ये सेकंड मैटर है, वो तो आप देखिए कि कहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, कहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, कहां पर आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, कहां पर कुछ आप क्रिएटिव तरीके से सीख पा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये सेशन 24 का जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसके पहले जिसने भी 24 का सॉल्यूशन दिया है आप वो देखिए और अब ये सॉल्यूशन देखिए। हाँ, इसके बाद तो आप देखोगे कॉपी किया जाएगा, इम्पिटस गुरुकुल को कॉपी करते हैं, आप इसके बाद इस सॉल्यूशन की ट्रिक टेक्निक सब कॉपी करेंगे, पर आज के पहले के सेशन का और इस सेशन के डिफरेंस को आप समझ पाएंगे। तो मैं फिर बोलूंगा कि जुड़िए उनसे जो गाइड करे, मिसगाइड ना करे। और बहुत ज्यादा बच्चों को लास्ट टाइम पे मिसगाइड किया, JEE के क्वेश्चन करो, एडवांस क्वेश्चन करो, ये गाइड सॉल्व करो, वो करो, फॉरगेट, पहले पेपर समझिए। तो आप सभी लोग इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए और पॉसिबल हो तो पहले पेपर दीजिए, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप आधार पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहां पर आप सबसे पहले 24 का पेपर दीजिए और पूरा पेपर देने के बाद फिर इसके सॉल्यूशन को वॉच करिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि ये पेपर टफ नहीं था, ये और बेसिक लेवल पे था। और पीछे जाना पड़ेगा, किस टॉपिक से क्या आधा है, क्या क्या पढ़ना है, किस ढंग से आपके थॉट प्रोसेस को आपको डेवलप करना है,
वो सारी चीजें बताऊंगा, कौन सा टॉपिक है, कहां पे, किस लेवल पे जाके उसकी पढ़ाई करनी है, सब। नो डाउट 24 का पेपर सरप्राइजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं कि 24 का पेपर सरप्राइजिंग नहीं था, बट सरप्राइजिंग पेपर को हैंडल कैसे करना है ये आना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने रैंक ली हुई है जो आपके साथ अभी डिस्कस भी करूंगा, सरप्राइजिंग पेपर को हैंडल करना आना चाहिए। और मान लीजिए कि 25 का पेपर भी सरप्राइजिंग आएगा और आगे के सभी पेपर आएंगे, जब आप इस माइंडसेट को तैयार करेंगे और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट रैंक की, तो फर्स्ट रैंक के बच्चे का स्कोर था 768 होल स्कोर, मैथ्स में 495 का स्कोर था, यानी मैथ्स में लगभग इसने, अगर कोई बच्चा मैथ्स में 40 क्वेश्चन राइट करता, मैं आपको यह भी बताता हूं कि लगभग कितना, 40 क्वेश्चन राइट करता है तो 480 मार्क्स होते हैं, और 41 करता है तो 492, तो ये मान लीजिए लगभग 42 के आसपास इसने क्वेश्चन किए होंगे, कुछ गलत हो गए होंगे, राइट, कुछ गलत हो गए होंगे, यानी 42 मार्क्स में करने वाला बच्चा भी टॉप रैंकर बना है, दो तीन क्वेश्चन गलत हुए होंगे, दो तीन छोड़ दिए होंगे। तो सबसे पहले तो ये माइंड सेट करिए कि आपको 100% मैथ्स नहीं करनी। अभी मैं और रैंक पे आऊंगा, क्योंकि इस 100 रैंक तक का कंसेप्ट, ये चार्ट तो ऐसा है कि आप इसको अपने पास पेस्ट करके रख लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया और इसका कंसेप्ट बना लिया तो मैं श्योर हूं आप इस साल अच्छा रिजल्ट दे देंगे और आप अच्छी बेस बुक से पढ़ाई करिएगा। तो सॉल्यूशन की यूनिक टेक्निक अभी आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो लगभग 42 क्वेश्चन इसने किए होंगे, 42 क्वेश्चन पे 504 मार्क्स होते हैं, पर कुछ क्वेश्चन गलत हो गए होंगे तो माइनस हो गए, तो आप ये मान लीजिए कि 42 क्वेश्चन इस बच्चे ने किए, राइट। अब बात आती है कि रीजनिंग में कितने किए इस बच्चे ने, तो 186 है रीजनिंग। अच्छा, मैथ्स के मार्क्स जो होते हैं वो 12 नंबर से कैलकुलेट होते हैं और 3 नंबर रॉन्ग के होते हैं, कंप्यूटर के वो जो एलआर, मैथ्स में 12 और 3 का लॉजिक है, रीजनिंग में 6 और 1.5, कंप्यूटर 6 और 1.5, इंग्लिश 4 और 1। तो रीजनिंग में 31 क्वेश्चन किए, 31 के 186 होते हैं। अब आप बोलोगे कुछ गलत हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे, याद रखिएगा अगर आपने 5 क्वेश्चन किए और 4 रॉन्ग है और एक राइट है तो आपका नेट स्कोर 0 होता है। जैसे आपने मान लो मैथ्स में 5 क्वेश्चन किए, ठीक है, और एक ही राइट था, 4 रॉन्ग थे, तो आपका नेट स्कोर 0 आएगा, क्योंकि इसमें 12 नंबर मिले, इधर 12 नंबर कम हो गए, रीजनिंग में 6 कम हो गए। तो आप ये मान सकते हो सकता है इसने 36 क्वेश्चन किए, ऐसे सोचो, राइट, 31-32 राइट होंगे, 4 रॉन्ग होंगे, तो नेट 31, ऐसा समझ सकते हो, ये तरीका सबसे अच्छा है। और यहां कंप्यूटर में देखें तो अभी हम नेट राइट लिखते चलते, बाकी अगर आप सोचो कि सर ऐसा थोड़ी होगा सभी राइट होंगे, बिल्कुल सही बात है, कुछ रॉन्ग हो सकते हैं, तो कुछ रॉन्ग होंगे तो मान लीजिए इसके आगे आप 5 प्लस कर सकते हैं, राइट, 5-5 के रेशियो में आप ऐड कर सकते हैं, ये मैं नेट बता रहा हूं आपको। फिर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में लगभग 10 क्वेश्चन किए होंगे। अब आप देख रहे हो स्कोर 57 है, तो इसका मतलब कंप्यूटर में एक्चुअली में इस बच्चे ने लगभग 12 क्वेश्चन किए होंगे, 12 क्वेश्चन के में से 10 राइट हुए, 2 रॉन्ग हुए। अब देखो 10 राइट के नंबर हुए 60, 2 रॉन्ग के नंबर हुए 357। तो मैं अप्रोक्सीमेट आपको लिख रहा हूं, एग्जैक्ट आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप कैलकुलेट खुद भी कर लेंगे। और इंग्लिश की बात करूं तो 4 का है, तो लगभग 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। अब 8 क्वेश्चन का मतलब हुआ 8 4 जा 32, अब 2 रॉन्ग हो गए तो 30 हो गया। यानी फर्स्ट बच्चे की जो कहानी है वो है 42 3 10 और 8। अब बात करते हैं थर्ड रैंक के बच्चे की। इस बच्चे का इंटरव्यू इम्पीटस गुरुकुल चैनल पे है, और एक और बात बता दूं कि इम्पीटस पे जो रिजल्ट है मैंने उनका इंटरव्यू भी इमीडिएटली लिया था, और वो इम्पीटस के ही स्टूडेंट है। इम्पीटस के कुछ स्टूडेंट की फोटोग्राफ अगर कहीं और दिख रही है, आप देखोगे उनमें से कईयों के तो इंटरव्यू हो ही नहीं सकते वहां, और वो किस ढंग से डालते हैं क्या, ये कहानी अब आपको पता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इम्पीटस के साथ जुड़ो, नॉलेज लो, गाइडेंस सही मिले और आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें और अपनी मेहनत से कर सकें, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर ये बात आप सब समझ सकते होगे।
कि ये जो बच्चे हैं इनके सारे इंटरव्यूज हैं, इमीडिएटली इंटरव्यू है अवार्ड सेरेमनी में, और इन्हीं की फोटो कहीं और छाप रहा है कोई, ना तो इंटरव्यू है ना अवार्ड सेरेमनी में। कुछ बच्चे कैसे पहुंचे होंगे, आधे नहीं होंगे, दो चार पहुंच गया, वो किस तरह से पहुंचे होंगे, क्या करा होगा, वो आप सब समझदार हो। तो अभी मैं आप सबको बोलूंगा कि आर्यन का इंटरव्यू देखिएगा आप, ये बहुत काम का इंटरव्यू है, थर्ड रैंक का बच्चा है और खास बात है दिल्ली का है, फाइनल ईयर अपेयरिंग के साथ इसने ये रिजल्ट दिया था। अब देखिए फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक में पहले तो नंबर का भी काफी कुछ डिफरेंस है, याद रखिएगा 1 to 10 और 1 to 100 के मार्क्स में वेरिएशन बहुत हाई होता है और बाद में वेरिएशन बहुत कम होता है। पहले 100 नंबर पे 10 बच्चे नहीं होते और बाद में 10 नंबर पे 100 बच्चे होते हैं, ये अंतर है, आप खुद देख लीजिए, ओपन योर आइज। इसलिए अगर आपकी रैंक टॉप में है तो आपके 2, 4, 5 गलत होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आपके 2 क्वेश्चन गलत होने से भी आपका 1 साल बढ़ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 2-3 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो आप इसको समझिएगा। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक में लगभग लगभग ये मान सकते हैं, देखिए ये 96 है, 696 और ये 68 है, तो 72 नंबर का डिफरेंस है, राइट, लगभग। और 100 रैंक आते आते 533, ये 100 रैंक तक लिया है, ये भी बच्ची इंपिटस की ही है, ये सब बच्चे इंपिटस के हैं। तो ये मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो है 696 से 533, तो आप 768 से ये देख लीजिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, राइट, लगभग 230 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस आ गया। यानी 200 पहले 100 रैंक में 200 नंबर के ऊपर का डिफरेंस है। ये थोड़ा बहुत नेक्स्ट ईयर प्लस माइनस होगा, पर ये हर साल का यही कहानी। तो अब जरा देखिए आर्यन की बात करें हम, तो जब हम आर्यन की बात करते हैं तो आर्यन के 420 मार्क्स हैं मैथ्स में, और 420 मार्क्स का मतलब आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैथ्स में 30 क्वेश्चन राइट होते हैं तो 30 × 12 करते हैं तो 360, और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, अब 60 मार्क्स और जुड़ गए, ऐसे सोच लीजिए, है ना, 60 मार्क्स और जुड़ गए तो ये हो गया 420, 60 मार्क्स मतलब 5 क्वेश्चन, तो मान लीजिए ये लगभग 35 क्वेश्चन इसने बच्चे ने मैथ्स के किए हैं, राइट, यानी 15 क्वेश्चन इसने मैथ्स के नहीं किए। अब ऑन अदर हैंड आप बोल सकते हो कि हो सकता है सर इसने 40 किए होंगे, बिल्कुल सही, 4 गलत मतलब 40 किए होंगे, 36 राइट और 4 रॉन्ग, तो नेट 35 हो गया, या हो सकता है 45 किए हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब आप गलत को गिन रहे हो तो 5 गिन लेना, 4 क्वेश्चन रॉन्ग और 1 राइट, तो उस पर नेट 0 हो जाता है। तो मैथ्स में इसने केवल 35 क्वेश्चन किए और रैंक है थर्ड, यानी थर्ड रैंक के बच्चे ने भी 35 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आप पेपर का सही रिव्यू सही पहलू समझ लोगे तो कोई रीजन नहीं है ना आपका टॉप नहीं कर पाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं करने, वो करने जो सिंपल है, वो करने जो कंसेप्शन है, वो करने जिनकी आपने प्रैक्टिस किया, उन क्वेश्चन पर नजर मत डालो। हर साल 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, काय के लिए उस पर फोकस करना, हर साल 4-5 क्वेश्चन काफी लेंदी आते हैं, लीव। तो आप इन छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश करिए, अभी वक्त है, और इसलिए इस बार मैं बहुत पहले इसका एनालिसिस दे रहा हूं कि आप समय रहते हुए इन चीजों के लिए अलर्ट हो जाइए और जुड़िए उनसे जो आपको गाइड करें, उनसे नहीं जो मिसगाइड करें, याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग में 160 है, राइट, रीजनिंग में 159 है। तो अब 25 क्वेश्चन के नंबर होते हैं, देखिए सिंपल लॉजिक है 150, तो ये 27 क्वेश्चन लगभग इसने रीजनिंग में किए, 35 27, राइट, और ये मान लीजिए 16, इंग्लिश में हो सकता है 2 ही किए हो, 1 राइट 1 रॉन्ग, तो 3 नंबर मिले। अच्छा आप देखिए इंग्लिश में कोई बच्चों के बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है सभी के, तो इंग्लिश अगर आपका वीक है तो बिल्कुल चिंता मत करिए, इंग्लिश इसका वीक नहीं था पर फिर भी टाइम नहीं मिला होगा जो भी, क्योंकि कंप्यूटर में स्कोर कर लिया, देखो इसने कंप्यूटर में स्कोर कम किया तो इंग्लिश में कर लिया, इसने कंप्यूटर में स्कोर किया तो इंग्लिश में कम होगा। अगर आप ध्यान दें तो दोनों के स्कोर अगर जोड़ें तो दोनों का स्कोर देखिए 57 और 30, ये होता 87, पर यहां पर देखें तो 94 + 3 = 97, इस क्योंकि ये सेक्शन एक साथ था, राइट, तो आप प्लस माइनस कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आपका मैथ बहुत वीक है LR पे आप स्कोर कमाओ, कंप्यूटर पे कमाओ, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है इंग्लिश के साथ आप कंप्यूटर पे कमाओ, डिपेंड ऑन। पर इंग्लिश पे अगर आप सोचते हो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा,
हाँ इंग्लिश अगर ठीक है तो अपने आप हो जाएगी, इंग्लिश पढ़ने से इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से और कंफ्यूजन चालू हो जाएगा। आप रीडिंग वीडिंग जो करते करते रहे, पर अलग से आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो कंफ्यूज जाओगे। तो इस बच्चे का अगर हम देखें तो 35, 27, 16, 2 राइट। फिर मैं बात करता हूं 24 रैंक की, ठीक। ये जो 24 है इंपिटस की बच्ची, अब इसके तो 402 थे मैथ्स में, 402। अब 402 का मतलब हुआ कि लगभग हम मान सकते हैं कि कितना ले लें, 38 मान लेते हैं, 39 मान लीजिए, वो सॉरी 39 बोल रहा हूं, ये 34 के आसपास मान लीजिए अप्रोक्सीमेट। यहां पर देखें तो 127 यानी 22 मान लीजिए अप्रोक्सीमेट, यहां पर 13 मान लीजिए और यहां पर 2 मान लीजिए राइट। यानी 34 क्वेश्चन की, आप देखिए 27 रैंक पे जो बच्चा है कुमार मंगलम, इसके 608 मार्क्स हैं। अच्छा एक और चीज नोटिस करिए कि फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक में ठीक है, पर 24 रैंक तक आते आते स्कोर में कितना वेरिएशन आया, और उसके बाद वो वेरिएशन उतने लेवल पे नहीं है जितने लेवल पे स्टार्टिंग पे है। तो कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं परफॉर्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका मैथ्स या रीजनिंग पहले से होता है, सालों से पढ़ाई करी होती है अच्छे से, कई लोग बेसिक बना के चलते हैं, जितना स्ट्रांग बेसिक होगा उतना अच्छा स्कोर होगा। तो यहां पर देखिए, तो इस बच्ची के इस 627 रैंक की बात करूं तो ये लिखा रहने देते हैं 42, 35, 34 ले लीजिए, है ना, अप्रोक्सीमेट 34 मान लेते हैं, और यहां पर ये भी ठीक है। अब जो 27 पे इसके 372 मार्क्स हैं, यानी सीधे सीधे 30 × 12 360 होता है, एक और बढ़ा लो 31 क्वेश्चन मैथ्स में ओनली, 151 मतलब 26 ले लीजिए, 73.5 मतलब 13 ले लीजिए, और इंग्लिश में 3 क्वेश्चन ले लीजिए और एक रॉन्ग हो गया होगा। ये सब अगर आपने आज समझ लिया, जो शायद समझाने से लोग डरे, पर मैं इसलिए समझाऊंगा क्योंकि मैंने बोला ना इम्पिटस गुरुकुल जहां पर आपको गाइड किया जाए, मिसगाइड ना किया जाए, वो बताया जाए जिससे आप सही में रियल में आगे बढ़ पाए और नॉलेज ले पाए, क्योंकि ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि क्या चीज है जो हमें डेवलप करनी है, कितने क्वेश्चन से भी हम अच्छी रैंक ला सकते हैं, कितने क्वेश्चन से भी मेरा त्रिची या मेरे को इलाहाबाद या सूरतकल या कुरुक्षेत्र या वारंगल ये मिल सकता है। ये सारी चीजें अगर बिफोर एग्जाम के काफी समय पहले पता हो तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अभी मैं पेपर एनालिसिस पे आऊंगा, फिर एक बार मैं आऊंगा तो सीधे अपन कंटिन्यूशन में लाएंगे। ये देखिए, अब बात करता हूं 602 31, ठीक है, चलाक की बात करूं। अब देखिए इसके 357 है, यानी 30 क्वेश्चन मैथ्स के किए होंगे, यहां 25 ही किए हैं राइट। यहां पर जरूर 16 क्वेश्चन मान लीजिए और ये 3-2 ले लीजिए, यानी 30 क्वेश्चन करने वाला बच्चा भी 31 रैंक पर है, क्योंकि 70 मिनट की विंडो थी, आपको टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेपर सॉल्व करना था। तो अगर टाइम ड्यूरेशन के अंदर पेपर सॉल्व करना है तो आपको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, आपको सिंपल से टफ जाना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, पर जितने हो मैक्सिमम हो उसके लिए सिंपल से सर्च करना है। फिर देखिए 33 रैंक की बात करूं चेतना की, तो 600 मार्क्स हैं, और 600 मार्क्स पर देखो मार्क्स का डिफरेंस कम होता जा रहा है, ऊपर नीचे हो, 600 मार्क्स हैं और 600 मार्क्स पर 378 क्वेश्चन है मैथ्स के राइट। तो 32 ले लीजिए, 32 मैथ्स के किए 18 छोड़ दिए, रीजनिंग में तो 24 ही ले लीजिए, यहां पर ले लीजिए 12 राइट। अब और इंग्लिश में ले लीजिए 4, 2 रॉन्ग हो गए होंगे तो 14। ऐसे ही 39 रैंक पर जरा देखिए सुरजीत, 593 मार्क्स हैं और ये 324 है, ये और कम हो गए, 324 का मतलब हो गया ओनली 27 मैथ्स के क्वेश्चन किए, केवल 27, रीजनिंग में 165 है, 165 का मतलब हो गया लगभग 28 मान लीजिए, और यहां पर 94 यानी 16, और यहां पर 3 क्वेश्चन ले लीजिए, ये रियल कहानी है। फिर 42 की बात करूं, 585, 330 यानी वही 28 मान लीजिए, 168 ये भी लगभग 28 ही ले लीजिए, 70 का मतलब हो गया लगभग 12 क्वेश्चन ले लीजिए, और ये हो गए 5 क्वेश्चन, 3 रॉन्ग हो गए होंगे राइट। और अब अगर हम 100 रैंक पर आए तो 100 रैंक के नंबर है 297,
यानी मैथ्स के क्वेश्चन कुल 25 किए, यानी 50%, रीजनिंग भी अगर ध्यान दे तो 118 यानी 25 मान लीजिए, और 25 बोल रहा हूं, 20 ओनली 20, कंप्यूटर में जरूर 16 क्वेश्चन किए और इंग्लिश में आप ले लीजिए 6 ले ले, यानी 100 रैंक लाने के लिए भी केवल 25 और 20 क्वेश्चन 50% पेपर से भी काम हो सकता था। नंबर भी देखिए 533 है, ये लगभग 53% हो गया। इज दैट क्लियर? तो आप समझिए, और 200 के ऊपर 220-230 नंबर का गैप है 1 to 100 में। बट जैसे ही ऑन अदर हैंड हम इधर आते हैं तो हम ये देखते हैं, ये सब बच्चे जो हैं दिख रहे हैं आपको, अब देखिए जैसे ही इधर आते हैं तो सबसे पहली बात ये कि 110 और 176 में देखो कितना कम गैप है, कुल 33 मार्क्स का, और कुल 33 वहां पे 200। इसलिए बाद में धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा एक पर्टिकुलर 10 नंबर पे 40-50 बच्चे, इसलिए आप अच्छे नंबर की तैयारी करिए और समझ के पढ़िए। तो यहां पर देखिए ये पूरा प्रॉपरली दिया हुआ है इनका स्कोर। तो अगर हम देखें तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि पेपर, तो 176 जिसकी रैंक है उसके नंबर है 496, 50% से कम, 49%, और मैथ्स में 279 है, 279 यानी केवल 23 क्वेश्चन, राइट? केवल और केवल 23 क्वेश्चन, सोचिए यहां पर केवल 22 क्वेश्चन, यहां पर आप ले लीजिए कितना 14 मान लीजिए और यहां पर 2 क्वेश्चन लगभग, यानी कितना कम करके भी 176 रैंक इज नॉट बैड। अब देखिए अब सीधे हम आते हैं 200 के आसपास, तो 200 पे जब हम आते हैं तो 483 और 276 लगभग, देखिए कितना कम गैप है, कितना कम गैप है, 496 और 483, राइट? तो ये चार्ट आपको देखेगा, आप इसको कैलकुलेट करिए, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए 297 रैंक, 460 मार्क्स, 270 मैथ्स में, यानी अगर हम लॉजिकली समझें, ये देखिए 300 एंड रैंक, 300 के मार्क 458, 279 ऑलमोस्ट सेम नंबर है, ये आपको समझना है। ये देखिए, ये फिर बाद में मैंने स्पीड में थोड़ी बढ़ाई, तो देखिए 400 पे 435, 258 का मतलब कुल 22 क्वेश्चन, ओनली 22 क्वेश्चन, यहां पे देखें तो केवल 20 क्वेश्चन, यहां पर देखें तो 6 का है 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कुछ रॉन्ग हुए होंगे, यहां पर देखें तो 4 क्वेश्चन, यस और नो? तो इस तरह से अगर हम चलें तो ये देखिए, अब 1000 रैंक तक पे मैंने बनाया हुआ है, अगर 1000 रैंक को देखें तो 346 मार्क्स, और लास्ट राउंड तक, स्टेप राउंड तक लगभग, क्योंकि 1000 सीट के आसपास थी तो लगभग 800-900 1000 रैंक तक के बच्चों को कॉलेज स्पॉट राउंड तक मिला भी है ना। तो अगर हम देखें तो 346 मार्क्स केवल पर 1000 रैंक है, 346 ओनली, जिसमें मैथ्स का कंट्रीब्यूशन 243 है, केवल 243 यानी 21 क्वेश्चन कुछ रॉन्ग हो गए होंगे, रीजनिंग में केवल और केवल 39 क्वेश्चन यानी केवल 7, कंप्यूटर में 10 केवल और यहां 2, इतने कम क्वेश्चन करने वाला बच्चा है, और 4000 तक इसलिए लिया, एक आइडिया दिया कि 188। तो आप पहले देखिए कि धीरे धीरे बाद में नंबर्स की रैंक के साथ ये डिफरेंस आता है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, यानी अगर आपके पास 1000 मार्क्स का पेपर है और आप सही में टॉप 10, टॉप 100 या टॉप 200 में रैंक बनाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखिए। अगर 24 जैसा पेपर ही आए, और आना चाहिए, ये पेपर के लिए वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो अच्छे से लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे, आना चाहिए। तो अब मैं जो बात बोलना, सुनिए कि अगर आपको टॉप 10, टॉप 100 या टॉप 200 में आना है तो क्या करना है। टॉप 10 में आने के लिए भी अगर आप मैथ्स में 40 क्वेश्चन के आसपास करते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करते हैं और 10 कंप्यूटर के करते हैं तो आप टॉप 10 में आ सकते हैं। ये तो ज्यादा लिखे, मैंने आपको बताया वहां पर 35 क्वेश्चन थे, फिर भी मैंने अपर साइड लिखा, यानी मैथ्स में आप 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, रीजनिंग में 15 छोड़ दीजिए, कंप्यूटर में 10 छोड़ दीजिए तो भी आप आ सकते हैं। अगर टॉप 100 में आना है
मैथ्स में 25 भी किए तो उसने, पर फिर भी आप 30 ले लीजिए, 20 ले लीजिए और 5 भी ले लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और इस रेशियो में कम होता जाएगा। अब इस पेपर के कितने क्वेश्चन मैनेजेबल थे, कितने टफ थे, कितने लीव वाले थे, कितने ज्यादा थे, वो आपको समझना। आप देखिए, अब दूसरी बात, अब आपको मैथ्स के लिए केवल 70 मिनट मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को 3 मिनट में करते हैं तो आप केवल 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते हैं। पर अगर आपने उन क्वेश्चन को सर्च किया जो एक मिनट या एक मिनट से कम में होते हैं और ऐसे 10 क्वेश्चन भी मिल गए तो 10 मिनट में ये हो गए और बाद के 30-20 मिनट आप दो दो मिनट दो, टू टू मिनट, ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन मिल सकते हैं। यानी आपको 40 मिनट में आपने ये 20 करे और 30 पहुंच गए, अभी भी 30 मिनट बचे हैं। अब इस 30 मिनट में अगर आपने 3 मिनट में भी एक क्वेश्चन किया तो आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे और आप 40 क्वेश्चन की रेंज बना सकते हैं। आप बोलोगे सुनने में तो अच्छा लग रहा है सर, पर होता नहीं। होता है। इसके लिए आपका राइट सिलेक्शन प्रोसेस, राइट क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब जैसे मैंने जब इस पेपर का एनालिसिस क्लास में लिया तो कुछ बच्चों ने बताया सर पहला जो पिछले साल जिन्होंने दिया होगा, कई बच्चे सेल्फ स्टडी वाले थे, कई अलग अलग जगह के बच्चे थे जो इम्पीटस में ज्वाइन हुए, कि सर ये पहला क्वेश्चन देखा उसको देख के ही डर गए। मैं आपको दिखाता हूं, फिर समझ में नहीं आया क्या करें। पहले 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ हो, बीच के टफ हो, कहीं के भी, ये सब एक जेन्युइनली पॉसिबल है। तो अगर ये सब जेन्युइनली पॉसिबल है, इसका मतलब है कि आपको पेपर में 50 क्वेश्चन है, 2-4-5 क्वेश्चन की चिंता ना करके आप चिंता करिए 40। ये 40 क्वेश्चन के लिए देखिए प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन तीन, अच्छा अब इसके बाद भी 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 5 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम ले। अब आपने अगर ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लिया तो आपका नेट स्कोर डाउन हो जाएगा। तो टाइम सेक्शन होने से आपके लिए बहुत स्ट्रांग तरीके से पढ़ना, बहुत स्ट्रांग तरीके से कंसेप्ट बनाना, बहुत स्ट्रांग तरीके से लॉजिक बनाना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप इस चीज को समझिए, इसके लिए फोकस करिए, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करिए। सबसे पहले आपको अभी मैं पेपर एनालिसिस दूंगा तो आप समझ पाएंगे, पहला स्टेप बाय स्टेप चलिए, गाइड से स्टार्ट मत करिए, पहले बेसिक बुक करिए। अगर आप इम्पीटस से जुड़े हैं तो इम्पीटस का मटेरियल सफिशियंट है, नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ बुक और गाइड, सब सफिशियंट है। किस क्लास में जो क्वेश्चन आया मैं वो भी बताऊंगा, जो बच्चे इम्पीटस गुरुकुल से जुड़े हैं और अगर आपके वो फ्रेंड्स हो जो आप बाई चांस नहीं जुड़े, आप पूछेंगे बता देंगे कि सर ने पहली या दूसरी या तीसरी कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ, यानी ये तक मैं बता सकता हूं आपको। तो यस, तो सबसे पहले आप बेसिक बुक करिए। बेसिक बुक में क्या हो सकता है, एनसीईआरटी हो सकता है, आरडी शर्मा हो सकता है या आरएस अग्रवाल हो सकता है या इम्पीटस गुरुकुल मटेरियल। स्टेप वन हुई। स्टेप टू, फिर मैंने हमेशा मटेरियल को लेवल में बनाया, पहले मैं जीरो लेवल की शीट लेता हूं बेसिक लेवल की, फिर फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। अब फर्स्ट लेवल पे आप यहां पर ये हो गए बेसिक लेवल, फिर स्टेप नंबर टू में आप ऑब्जेक्टिव रख सकते हो, एररलेस वगैरह कोई भी गाइड वो कर लीजिए, फिर आप आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव या वगैरह देख सकते हैं, फिर सिंगेश या हरियंत या एमएल खन्ना, ये आप स्टेप बाय स्टेप चले। मान लो आपको लगता है सर इतना तो टाइम नहीं बचा, आप इतना भी कर लोगे तो आप लगभग 35 से 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। और अभी मैं ये 24 के पेपर एनालिसिस के साथ आपको प्रूफ बताऊंगा, ऐसा भी नहीं कि मैं कह रहा हूं, मैं पेपर के एनालिसिस के साथ बात कर रहा हूं, इसलिए बोला मैंने कि ये सेशन टिल एंड तक देखना है जिससे समझ पाओ, टिल एंड तक हर एक चीज आपके रजिस्टर में, हर चीज जो क्लास जो पेपर में आती है वो बच्चों के रजिस्टर में होती है और आप इम्प्यूटर से जुड़े तो आपके रजिस्टर में होगी ही होगी। ठीक है, ये हो गए। अब बात आती है कि ये अब तो ये हुआ मैथ्स का, अब आते हैं एलआर पे। एलआर में देखो 30 मिनट मिलते हैं कुल, अब से 30 मिनट में 40 क्वेश्चन अगर आप करने की सोचोगे तो गड़बड़ कर दोगे। और आपने देख भी लिया कि लगभग 30 क्वेश्चन 31 तक मैक्सिमम गए, नॉर्मली 20-25 के आसपास गए, प्रैक्टिकली 20 से 25 की रीच बना सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल देते हैं वो। मैं अभी एलआर का एनालिसिस दूंगा जब भी समझोगे, एक मिनट वाले कम से कम 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो एक मिनट वाले अगर आपने मान लो 10 से 12 क्वेश्चन हुए तो वो कर लोगे, 10 मिनट खत्म। अब बचे 20 मिनट,
20 मिनट में आप डेढ़ मिनट दो मिनट वाले क्वेश्चन करोगे तो 20 से 25 की रेंज बना लोगे, राइट। अब बात आती है कंप्यूटर की, तो जैसे ही कंप्यूटर पे आओगे, जैसे ही कंप्यूटर पे आओगे तो कंप्यूटर और इंग्लिश एक साथ होगा, 20 मिनट का विंडो होगा। कुछ लोग तो उनको लगा इंग्लिश का अलग विंडो होगा इसलिए इंग्लिश भूल ही गए करना, उनको बाद में क्लिक करा। आप ध्यान रखना इंग्लिश और कंप्यूटर एक साथ आएगा, पहले कंप्यूटर आएगा फिर इंग्लिश, तो इसलिए गड़बड़ ना कर दें आप। तो आप 20 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे जो कि 120 मार्क्स के होंगे और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे जो केवल 40 मार्क्स के होंगे। तो अगर आप कंप्यूटर पे कमांड है तो आप इधर ज्यादा टाइम दे देना, कंप्यूटर पे कम है तो इंग्लिश आती तो इधर दे देना, अलग से मत करना। पर यहां पर आप कंप्यूटर में जिस ढंग से पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जाता है इंपीटस में, आराम से बच्चा 10 से 15 क्वेश्चन कर सकता है। और मैं कह रहा हूं आपने खुद भी पढ़ाओ तो आज की डेट में बीसीए बीएससी कंप्यूटर वाले बच्चों को जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन वगैरह नंबर सिस्टम के 4-5 क्वेश्चन वो और बेसिक, आप खुद भी 10-1 क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी 8 से 10 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के हर बच्चा कर लेगा, 4-5 क्वेश्चन जिसने ज्यादा पढ़ा वो, इसलिए बहुत प्रेशर नहीं लेना। और इंग्लिश अगर आपकी ठीक ठाक है, ग्रामर ठीक ठाक है तो आप कर लोगे। यानी अगर आप 1000 में 600 या उससे ऊपर नंबर बनाते हो तो आप टॉप 50 में हो, और 550 या उससे ऊपर बनाते हो इस पेपर के लिए तो आप टॉप 100 में, इनफैक्ट टॉप 100 वाला 533 पे था तो कोई दिक्कत नहीं है। और 400 नंबर पे भी आप रैंक ला रहे हो, 450 पे भी रैंक ला रहे हो। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई। अब इसका वो चार्ट दिया, जब भी आप इस सेशन को देखें ध्यान से देखिए। अब मैं पेपर एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं और इतनी बातें सुनने के बाद अगर आप चाहें तो जो मैंने आपसे एक बात बोली थी आप ध्यान रखिए कि आप आधार के साथ जुड़ के, आधार के लिए कुछ भी नहीं करना, कोई आपको बैच ज्वाइन नहीं करना होता। आधार बैच है इंपीटस से जोड़ने का एक तरीका जो आपको बेसिक फाउंडेशन पे हेल्प करता है, जिसमें बेसिक फाउंडेशन कैसे पढ़ना चाहिए, रेगुलर गाइडेंस आपको मिलता है, क्लासेस मिलती है, उसमें ये टेस्ट डला हुआ है। आप पहले टेस्ट दीजिएगा एंड देन वॉचिंग सॉल्यूशन, मजा आ जाएगा आपको, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और जो मैंने बात बोली कि अगर आपने बेसिक बुक अच्छे से की है तो 35 से 40 क्वेश्चन बनेंगे, ये अभी आप खुद भी वेरीफाई करेंगे। और आप के इस सेशन के बाद आपके पढ़ने का नजरिया, पेपर देखने का नजरिया बदल जाएगा। और ये तो आगे ऐसे बहुत सेशन मिलेंगे, केवल एक इस पेपर के एनालिसिस से ही आपके सोचने और देखने का नजरिया बदल जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और बचिए उनसे जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, बचिए उनसे जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सही इंफॉर्मेशन सही गाइडेंस के साथ रहेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निमसेट रैंक अकेला टारगेट नहीं होना चाहिए, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ एथिक्स होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए जीवन में। केवल एमसीए नहीं, एमसीए करके अच्छी जॉब, अच्छा प्लेसमेंट, और आपको खुद को तो आगे बढ़ना है पर आपको 10 लोगों को और आगे बढ़ाना है। इस थॉट के साथ चलिए और बहुत प्रॉपर तरीके से इसके एनालिसिस को समझिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। अच्छा, उसके पहले ये रिजल्ट्स भी हैं और आप लोग इंपीटस गुरुकुल से जुड़े हैं तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आप भी अपनी यहां पोजीशन बनाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट देंगे। और जो मैंने आपको बात बोली कि अगर कुछ बच्चों के आपको रिजल्ट कहीं और दिखते हैं तो एक बात याद रखिएगा, इन सबके इंटरव्यू नहीं दिख सकते ना, इनके इंटरव्यू बाद में बहुत मुश्किलों में कितने कितने फोन करके लिए गए होंगे, क्या करेंगे वो बच्चे आपको खुद बता देंगे जब एनआईटी जाओगे आप, और कईयों ने नहीं दिए। पर इन सभी के इंटरव्यू रिजल्ट आने के अगले 2 दिन के अंदर आपके पास थे, आप देखिए उससे बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारी चीजें समझेंगे जानेंगे। तो ये रिजल्ट्स हैं और इसी तरह से एक शानदार रिजल्ट आपको भी देना है और अच्छी पढ़ाई अच्छी नॉलेज के साथ आप ये सब कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। तो मैथ्स के क्वेश्चंस के लेवल और मैथ्स को किस तरह से करा गया है वो बताता हूं। और याद रखिएगा कि क्वेश्चन को देखे ऐसा ए बी सी डी, अब जैसे आपने बोला बी आंसर करेक्ट है पर बी नहीं लगाओगे, अब बी के आगे लिखा 3 वाली जगह पे बी लगाओगे, ऐसे भी कंफ्यूज किया था कई बच्चे, इसमें 2-4 क्वेश्चन गलत कर गए कि बी मतलब 2 पे लगा दिया पर 2 पे तो ए लिखा है। तो आप लोग इस बार हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, पेपर को बहुत प्रॉपरली देखिए समझिए और लॉजिक से कैसे करना वो बताऊंगा। हर टॉपिक का आप नाम लिखते चलिएगा, हर टॉपिक के नाम के साथ उसका कंसेप्ट समझिएगा, उसकी ट्रिक समझिएगा और ये पोर्शन किस लेवल पे जाके मिलेगा, कहां पर जाके मिलेगा वो सब बताऊंगा। इससे आपके पढ़ने का तरीका बदलेगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ करेंगे, अगर आप जुड़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर
ये सारी चीजें आप सीखेंगे और समझेंगे। चलिए तो अब बात करते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू फाइव दिस एंड दिस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स का पार्ट है और जब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम तो डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन के समय यह कंसेप्ट आता है, राइट डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन के समय यह कंसेप्ट आता है। और जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोला है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में डेल्टा भी जीरो होता है, डेल एक्स भी जीरो होता है, डेल वाई भी जीरो होता है और डेल जेड भी जीरो होता है, यानी जो भी वैल्यू निकलेंगी वो इक्वल टू की होंगी। तो हम लॉजिक से देखें तो ये नॉट लिखा है इसलिए नहीं हो सकता, यहां पे नॉट लिखा ये भी नहीं हो सकता, यहां पे नॉट लिखा ये भी नहीं हो सकता। इस मीन्स कि ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, और अगर आप किसी भी तरीके से तीन ऑप्शन रिजेक्ट कर पाए तो बचा हुआ ऑप्शन 100% करेक्ट होता है। तो दिस इज द राइट आंसर। देखिए अपने आप ही बचा, ये क्वेश्चन लेस देन वन मिनट में होगा और जब मैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाता हूं उस समय ये चीज बताता हूं। अब अगर आप इसे मेथड से करते तो केवल इतना करना था कि सबसे पहले डेल्टा निकालते, और ये पहले राउंड का क्वेश्चन, अब जैसे लेमडा थर्ड रो में तो इसको पहले लिख लो 1 2 लेमडा 1 2 3 1 2 2, इसको जीरो से इक्वेट करो आपको लेमडा कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली डेल जेड निकाल लीजिए, डेल जेड ये इसको ऊपर ले लो तो पहले आएगा ये 1 1 1 2 2 2 और म्यू 6 और 5, ये भी जीरो होना चाहिए, राइट। अब अगर ध्यान दें तो 1 1 1 2 2 2 इसको सॉल्व ही नहीं करना, ये दो कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा, दो कॉलम सेम है डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो लेमडा की वैल्यू, लेमडा बिलोंग टू एनी रियल नंबर एंड सिमिलरली म्यू बिलोंग टू इज ऑल्सो एनी रियल नंबर। ये मैंने शायद 1 2 2 5 लिख दिया, 1 2 5 1 2 6, हाँ ठीक है कोई भी ऑर्डर है ना, तो ये लेमडा और म्यू भी रियल हो सकता है इसलिए इक्वल टू वाले देखें तो ये राइट, और भी कुछ होता तो चलता, यानी कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेस देन वन मिनट में आप सॉल्व कर सकते थे। तो जो मैंने आपको बोला 10 क्वेश्चन ऐसे आइडेंटिफाई करना, ये प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसे ही नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। आप प्रैक्टिस करोगे जैसे इंपिटस में बच्चे प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज करते हैं, बेस्ट टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर के लाइव एनालिसिस होते हैं जो मैं अभी दे रहा हूं आपको इस तरह से, तो उससे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बहुत स्पीड में उनकी बढ़ना चालू होती है जिसका वो फायदा उठाते हैं, तो ये एक तरीका हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई एंड कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन ने पूछा है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बेस लेवल का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्लास वन में पढ़ाया गया। अब देखिए एक्स माइनस वाई पूछा है, सबसे पहले तो साइन एक्स इक्वल टू ही साइन वाई दिया है, अब आपको भी पता है साइन एक्स इक्वल टू, आप चाहे तो इसे साइन 2π माइनस वाई भी, 2π प्लस वाई भी लिख सकते हैं और साइन 2nπ प्लस वाई भी लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू 2nπ प्लस वाई या x माइनस वाई कितना 2nπ, 2nπ में ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे, पाई में नहीं होगा क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है, राइट ऐसे ही। और ये पेपर उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में पेपर दिया था, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, तो कॉस 2nπ प्लस वाई एंड दिस इज एक्स इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 2nπ, राइट सिंपल लेस देन वन मिनट, और पहली क्लास में पढ़ाया हुआ पोर्शन है। देखिए एक वेक्टर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिस्टेंट रियल वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द वेक्टर लेमडा स्क्वायर वन जे के वन सॉरी लेमडा स्क्वायर आई प्लस जे प्लस के आई लेमडा स्क्वायर जे प्लस के एंड आई प्लस जे प्लस लेमडा स्क्वायर के आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो, राइट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो मतलब ए बी सी आप जो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एलोपाइड वो जीरो होना चाहिए, इसका मतलब आप इसको डिटर्मिनेंट से लेमडा स्क्वायर 1 1 1 लेमडा स्क्वायर 1 1 1 लेमडा स्क्वायर दिस शुड बी जीरो। अगर लेमडा की वैल्यू 1 हो जाए लेमडा स्क्वायर की
तो ये तीनों कॉलम सेम हो जाएंगे, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 1 यानी लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, राइट। तो आप इसको ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं एंड लेस देन 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेस देन 1 मिनट। अब ये लेस देन 1 मिनट में सॉल्व होता है। अब बात आती है इस क्वेश्चन के साथ एक इंपॉर्टेंट, कि ये पोर्शन मैं कब पढ़ाता हूं, जब वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जाता हूं, तो पहली क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है उसके साथ ये बताया जाता है और ऑब्जर्वेशन से। तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा क्वेश्चन, पहले राउंड में मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा जो सबसे कम टाइम लेंगे, मतलब जो मैंने बोली ये बात की लेस देन 1 मिनट, तो लेस देन 1 मिनट वाले ही लूंगा। आप खुद भी करिएगा और आप खुद भी अगर बेसिक पढ़े हुए होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपने अगर बेस बुक से पढ़ा होगा तो आप इजीली 1-1 मिनट से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल्स, द प्रोबेबिलिटी डेट अ सर्टन मैरिड कपल विल आइदर सर्व टूगेदर और नॉट एट ऑल, यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी की क्लास 2 में ये मैं डिस्कस करता हूं। द कमिटी ऑफ 5 इज टू बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सर्टन मैरिड कपल विल आइदर सर्व टूगेदर और नॉट एट ऑल। तो 9 लोग हैं और 5 की कमेटी बनानी है। अब इस 9 में एक मैरिज कपल है तो 7 फ्री होंगे, 7 लोग अलग हो गए और एक मैरिज कपल हो गया ये। तो या तो ये कमेटी का पार्ट हो या कमेटी का पार्ट ना हो, राइट। क्वेश्चन सिंपल है, सबसे पहले तो आउट ऑफ देखें तो 9C5 यानी टोटल केसेस होगा 9C5, 9 में से 5 को सिलेक्ट करना। अब कंडीशन या तो ये 7ों में से 5 आ जाए या फिर एक ये कर्व ये पूरा आ जाए पेयर, और अब 3 लोग बचे तो 7C3। याद रखना टोटल सिलेक्शन 5% का होना चाहिए। क्वेश्चन सिंपल है, अब सॉल्व करो। तो 7C5 को कैसे करोगे, 7C5 मतलब 7C2, ये सॉल्व करने का जो टाइम है वो अलग से आप ले लीजिए, हो जाएगा 21 प्लस 2C2 1 होगा और 7C3, ठीक 7C3 कितना हो जाएगा 7, 6, 5 अपॉन 3, 2, 1, ये कैंसिल 6 तो 35 अपॉन, अब ये 9C5 है, 9C5 को आप 9C4 भी लिख सकते हैं, तो 9, 8, 7, 6 अपॉन 4, 3, 2, 1। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल, 3 से 2 टाइम कैंसिल, तो नीचे आ गया 9, मल्टीप्लाई मत करो 9, 7 एंड 2, राइट। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो 56, ये हो गया 56 अपॉन 9 × 7 × 2, राइट। तो ये 14 हो गया, 14 × 4 = 4, तो 4/9 इज अ राइट आंसर। करना क्या था, 9 लोगों की कमेटी, 9 लोग थे, 5 की कमेटी बनानी थी, उस 5 में 9 लोगों में एक कपल था और 7 बैचलर मान लो। अब आपको या तो कमेटी में कपल पूरा रखना है या बिल्कुल नहीं रखना है, राइट। तो आपने क्या करा, 7 में से 5 सिलेक्ट किए या फिर 7 में से 3 और एक कपल को ही ले लिया आउट ऑफ 9C5, ओके। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपसे 1 से 1.5 मिनट में हो सकता था, 2 मिनट भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लगी है, इसलिए बिकॉज अदरवाइज ये 1 मिनट में हो सकता था। द पॉइंट 1, 1/2 एंड 3, -1/2 आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइन 2x + 3y = -6, इन बिटवीन द लाइन 2x + 3y = 6 एंड 2x + 3y = -6 ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। अब ये क्वेश्चन जो है, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो स्ट्रेट लाइन की सेकंड क्लास में पोजीशन ऑफ लाइन में बताता हूं, ऐसे सर्कल में होता है। देखिए लाइन में, लाइन के अपोजिट साइड है पॉइंट, लाइन के सेम साइड है, सेम मतलब अप या डाउन, ऐसे सर्कल में भी होता है, इनसाइड, ऑन द और आउटसाइड, या एलिप्स या हाइपरबोला या पैराबोला। तो ये कंसेप्ट हम अक्सर सेकंड में स्ट्रेट लाइन की दूसरी क्लास में पढ़ाता हूं। अब क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा ध्यान से, उसमें ऑप्शन के हिसाब से बताना। आपके पास पॉइंट्स हैं केवल 1, 1/2 एंड 3, -1/2। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन कैसे बताते हैं, मान लो आपके पास लाइन की इक्वेशन है, सपोज ऐसी इक्वेशन है और x1 y1 पता करना है कहां है, आप इसमें पुट कर दीजिए सीधा सीधा। अगर ये पॉजिटिव आए तो लाइन के ऊपर, अगर ये निगेटिव आए तो लाइन के नीचे, और यदि ये ठीक 0 आए तो
तो हम बोल सकते हैं लाइन के ऊपर यानी ऑन द, ये तीन कंसेप्ट होते हैं, अप डाउन और। अब मान लो दो पॉइंट दिए मान लो और दोनों पे पॉजिटिव मिले तो इसका मतलब है दोनों ऊपर है और सेम साइड कहलाएंगे, या दोनों पे निगेटिव मिले तो लाइन के नीचे पर उसे सेम साइड बोलेंगे। और अगर मान लो एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव मिले तो एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट नीचे है, राइट, एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास दो लाइनें दी, हम डायग्राम से भी कर सकते हैं। पहले तो पॉइंट क्या क्या दिए, 1, 1/2 एंड 3, -1/2 लाइनें दी हैं, 2x, सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली जब सभी ऑप्शन चेक करना हो तो ऐसे क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में करना चाहिए क्योंकि कंक्लूजन देना पड़ता है। ऐसी दो लाइनें दी हैं, अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो पहले लाइन का फिगर ऐसा बनेगा बेटा, x अपॉन -3 y अपॉन -2 इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन का फिगर ऐसा बनेगा। मतलब अगर हम डायग्राम बना रहे होते तो एक लाइन यहां होती लाइक दिस, जो कि इक्वेशन होती जिसकी 2x + 3y + 6 = 0, और एक लाइन ऊपर होती लाइक दिस, जिसकी इक्वेशन होती 2x + 3y - 6 = 0, राइट। अब हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इसके बारे में बात की जा रही है, जरा देखते हैं। तो पहले कोई भी एक लाइन ले लीजिए, यही ले लीजिए 2x + 3y + 6 = 0। अब आपने रखा 1, 1/2, अब ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। 3 और -1/2 रखा, पॉजिटिव मिला मतलब लाइन के ऊपर, ये रखा तो 3, 6 + 6 = 12 हो गया, तो ये भी पॉजिटिव मिला, तो इसका मतलब दोनों लाइन के ऊपर, यानी इस लाइन के रेफरेंस में देखें तो यहां होगा, ठीक, सेम साइड, इसे सेम साइड बोला जाएगा। अब दूसरी लाइन के रेफरेंस में बात करते हैं जो ये दी है, 2x + 3y - 6 = 0, पहला पॉइंट है 1, 1/2, अब रखिए 1, 1/2 तो 2 + 3/2 - 6, तो ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है। फिर रखिए 3 और -1/2, अच्छा जब दोनों पॉजिटिव थे तो निगेटिव हो, तो निगेटिव पे तो निगेटिव हो गई, देखिए कई लॉजिक, इसका मतलब है दोनों पॉइंट लाइन के नीचे होंगे यहां, ये भी सेम साइड हुए एक बार, पर इस लाइन के रेफरेंस में देखें तो ये हो गया, इसके रेफरेंस में तो देख ये हो गया, यानी दोनों लाइन के बीच में पॉइंट है। तो इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, सुनिए, बिटवीन लाइन एक, अबव द लाइन यानी सेम साइड, बिलो द लाइन यानी सेम साइड। अब ऑप्शन पढ़िए, ऑन द अपोजिट साइड, सबसे पहला ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट क्योंकि अब सेम साइड अपोजिट नहीं है ये। फिर पढ़िए, इन बिटवीन द लाइन 2x + 3y = 6 and 2x + 3y = -, ये सही आंसर क्योंकि बिटवीन है, क्योंकि बिटवीन है, ये आंसर सही है। अब अगले पे, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन 2x, बिल्कुल सही है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन दिस, ये भी सही है। आपने देखा जेई में मोर देन वन करेक्ट होते हैं, इसके तीनों आंसर करेक्ट होंगे, पर अगर निम सेट की बात करें तो वहां पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, पर ये तीनों करेक्ट थे इसलिए बाद में चैलेंज होके ये तीनों ही ऑप्शन को कंसिडर किया गया, तीनों को ही कंसिडर किया गया, तो ये तीनों सही है। पर अगर सबसे अप्रोप्रिएट कोई है, सबसे ज्यादा करेक्ट है, मोर करेक्ट तो वही है, राइट, सबसे ज्यादा करेक्ट ये है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये बात समझ में आई आपको कि आपको करना क्या था, ये आपको पता होना जरूरी था, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा करना क्या है तो आपके लिए मुश्किल है। अगर आपको ये क्लियर है कि करना क्या है तो आपके लिए कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक ऑफ द सेट सी विच इज डिफाइंड एज sin 4x = 1/2, ये सच डैट है, sin 4x = 1/2, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ाता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के क्लास 1 में ये क्वेश्चन डिस्कस होता है, बेसिक क्वेश्चन है और एक मिनट में हो जाएगा, कैसे बताता हूं। आपको एक्स बिलोंग टू दिया है -9π से 3π, अगर 4x बिलोंग, यहां 4x है तो 4x बिलोंग टू बोलूं तो 4x का मल्टीप्लाई कर दो -36π से 12π। अब एक चीज समझना आप पहले, बहुत सिंपल लॉजिक है आंसर का, अगर sin x = 1/2 लिखा होता और मैं 0 से 2π दूं तो 0 से 2π में दो सॉल्यूशन होंगे,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री और 150 डिग्री, ये दो जगह पे इसके सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी 0 से 2 पाई, दो यही मिलते, दो यहां हैं, पर अगर ओवरऑल पीरियड में देखूं तो 2 पाई है तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये 12 पाई है ना, तो 12 सॉल्यूशन मिलेंगे। ये 36 पाई है तो 36 सॉल्यूशन मिलेंगे। दोनों को ऐड कर दो तो टोटल सॉल्यूशन हुए 48, राइट? टोटल सॉल्यूशन हुए 48। अब फिर समझ लीजिएगा कि क्या बोला है मैंने, कि बहुत ध्यान से, कि आपसे नंबर ऑफ टोटल सॉल्यूशन पूछा है। तो यहां पर आपके पास 0, फिर 2 पाई, 4 पाई, ऐसे चलते जाओगे 12 पाई, तो हर एक जगह दो दो मिलते जाएंगे। तो यहां पर 12 पाई तक 12, यहां पर 36 पाई, बस ये क्वाड्रेंट नेगेटिव है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो 36 सॉल्यूशन। अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, 36 भी दिया आंसर, 12 भी दिया, और क्योंकि -36 पे कोई बच्चा -36 प्लस 12 कर दे तो 24 भी लगा सकता है, मिस्टेक हो सकती थी। केयरफुली करना है, समझ के करना है। केवल आपको एक साइकिल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता है तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। समझिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बुक से कर सकते हो, 1 मिनट से कम समय में हो सकता था ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है पढ़िए जरा। इट इज गिवन दैट द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द डेटा सेट इज 1, 3 पावर x एंड 9 पावर x रिस्पेक्टिवली। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड, यानी मॉड की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। अब आप स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, 1, 3 पावर x और 9 पावर x, ये क्या है, मीन, ये क्या है, मीडियन, और ये क्या है, मॉड। 9 पावर x को चाहो तो 3 पावर 2x भी लिख सकते हो, 9 पावर x को ऐसा लिख सकते हो ना, 3 का स्क्वायर का पावर x, तो 3 पावर 2x भी लिख सकते हो। अब क्लास 10th में आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, मॉड इक्वल टू 3 median - 2 mean, ये रिलेशन किसी बच्चे को याद है तो क्वेश्चन हो सकता है, यानी इतना बेसिक रिलेशन से होने वाला क्वेश्चन है। मॉड की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऑप्शन से भी हो सकता है, ट्रिक से भी हो सकता है। तो मॉड है 3 पावर 2x, यानी 3 पावर x का स्क्वायर इक्वल टू 3, मीडियन है 3 पावर x - 2 mean 1 है। चाहो तो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए 3 पावर x को आपने y मान लिया, 3 पावर x को y माना तो y स्क्वायर, ये 3y हो गया, तो -3y + 2 = 0 फैक्टर बनाए, तो y - 1 y - 2 = 0, तो y = 1 और y = 2, y 1 मतलब 3 पावर x की एक वैल्यू 1 है और 3 पावर x की एक वैल्यू 2 है, राइट? अब मॉड क्या दिया है बताओ पहले आप, 3 पावर x का स्क्वायर, ये मॉड दिया हुआ बिल्कुल क्वेश्चन में क्लियरली। तो इसका मतलब अगर मैं 3 पावर x के 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर 4, यानी मॉड की पॉसिबल वैल्यू 1 और 4 हो सकती है, जो इस ऑप्शन में दिख रही है। अगर आपसे मीडियन पूछा होता, मान लो पूछा होता, तो मीडियन 3 पावर x है, तो 3 पावर x की एक वैल्यू 1 है और एक 2 है, तो मीडियन 1 और 2 होता, और मीन पूछा होता तो मीन केवल 1 ही होता। क्वेश्चन क्या है अगर वो अंडरस्टैंड कर गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कंसेप्चुअल पढ़ने की और बेसिक्स कंसेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए अब आप देखिए, हम 7 क्वेश्चन तक आ गए, कहीं पे भी उलझने वाले नहीं, और सारे क्वेश्चन 1 मिनट वाले थे, एक क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन लगी, 1 मिनट या 1.5 मिनट। और खास बात यह कि ये 11th या 12th या 10th की बुक से होने वाले क्वेश्चन थे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पेपर समझिए, अंधे होके मत चलिए, बहुत समझ के प्रॉपर तरीके से पढ़िए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। x = 1 + 6 √ 2√6 4th√6 मतलब 4 2 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/6, 8 की पावर 1/6, 16 की पावर 1/6, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आप इसे पहले राउंड में ना करें तो सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में करें, डिपेंड ऑन टाइम, बट दिखने में है कॉम्प्लिकेटेड, पर है कि नहीं वो देखिए। एक्स इक्वल टू क्या दिया आपको, यही तो दिया 1, 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 2/6, ऐसा है एक तरह से, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, या 2 की पावर, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, 3/6,
टू की पावर 4/6, टू की पावर 5/6 या टू की पावर 6/6, सॉरी 5/6 तक जाना है, सिक्स टर्म दिए हुए। अब देख रहा है ना जीपी है, जीपी के एन टर्म का समेशन होता है ए इन टू आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ए कितना बेटा 1, आर ए टू की पावर 1/6 और नंबर ऑफ टर्म 6 है, तो ये बेटा 2 माइनस 1 1, 1/2 की पावर 1/6 माइनस 1, तो एक्स ये आपको मिल गया सम, मतलब एक्स जिसे बोला जा रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर 1/6 माइनस 1 या 2 की पावर 1/6 माइनस 1 इक्वल टू 1/x। आपको 1/x की ही जरूरत थी सीधे सीधे, राइट। तो 1/x प्लस 1, इसमें प्लस 1 कर दोगे तो ये इधर चला गया वहां, तो ये हो गया 2 की पावर 1/6, यानी इसको आप लिख सकते थे, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं है, 2 की पावर 1/6 होल पावर 24 यानी 2 का पावर 4 एंड दिस इज 60, राइट। ये बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं है, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। और जैसे ही जीपी पढ़ते हो तो जीपी के बेसिक जब सम ऑफ एन टर्म पे आते हैं तो उस समय इस तरह के कंसेप्ट आप सीखते हो, इजीली हैंडल हो सकता था, क्वेश्चन अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्या क्वेश्चन है। इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर चूजन रेंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर देन द पॉसिबिल प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 ऑफ देम आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर चूजन रेंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, मतलब पहले 100 नेचुरल नंबर में से 3 नंबर निकालने हैं और प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो डिविजिबल बाय क्या हो, 2 एंड 3। 2 एंड 3 मतलब इसका एलसीएम होगा 6, यानी 6 के मल्टीपल, तो सिंपल है, 100/6 करो तो 16 पॉइंट समथिंग, यानी 16 फेवरेबल नंबर होंगे लाइक दिस 6, 12, 18 अप टू 96। क्वेश्चन सिंपल है प्रोबेबिलिटी का, 16 में से 3 निकले, आउट ऑफ 100 में से 3 निकले, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ 16, 15, 14 अपॉन 3 टू 1। अच्छा कुछ जगह पे आप लॉजिकल जितना सोचोगे बेटा उतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, तो आपको मिला 16, 15, 14 अपॉन 199 और 98, ये काफी बड़ा है, 14 7 जा 98, यस और नो, 4 से कैंसिल कर दो 4, ये 25 और ये 5 से कर दो तो 3 और ये हो गया 5 टाइम, ये 3 से कर दो तो 33 टाइम, यानी ऊपर बचा 4, नीचे 5, 33 और 7। अब एक चीज बताइए आप, नीचे पहले ही इतना बड़ा नंबर दिख रहा था तो क्या इतने छोटे आंसर हो सकते थे, नहीं, पर चलो ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आप 5, 33, 7 का मल्टीप्लाई करे बिना भी आप कर लेते तो अलग बात है, आप इजीली बोल सकते थे 1, 1, 5, 5, क्यों, क्योंकि 33 अकेला है यहां पर, 35 अकेला या केवल 25। कई बार हम मल्टीप्लाई भी ना करें तो भी आंसर निकाल सकते हैं, मतलब सोचिए कितना लॉजिकल पेपर बनाया जाता है, कितना लॉजिकल ब्रेन आपको यूज करना है, आप हर जगह कैलकुलेशन कर रहे हो, लिखते जा रहे हो, इससे स्कोर नहीं आएगा। स्कोर लाने के लिए टेक्निक्स पे काम करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को सही क्वेश्चन का सिलेक्शन और उसके बाद उस पर टेक्निक की कौन सा क्वेश्चन सिंपल है पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन टफ है बाद में करना है, ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे आपके स्कोर्स नहीं बढ़ेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉस माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ पाई बाई टू। अब देखिए यहां पर आपको केवल इतना पता होना चाहिए, जब हम फंक्शन पढ़ते हैं तो पहली दूसरी क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे आते हैं, जी आई एफ, जो कि किसी भी इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब आपसे मैं बोलूं 2 तो आप 2 ही लिखेंगे, पर 2.9 का 2 होगा और अगर मान लो -2.9 हुआ तो माइनस का 3 होगा, लेफ्ट इंटीजर देना होता। अब जैसे यहां पाई स्क्वायर लिखा है, पाई की वैल्यू आपको पता होते हैं 3.14, इसका स्क्वायर मतलब 9.8 के आसपास मान लो अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आप यही बोलते ना, नहीं, और अगर माइनस लिखा है तो -10। अब आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो ये, दूसरा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, राइट। बिल्कुल बेस लेवल की चीजें बहुत स्ट्रांगली पता होना जरूरी है, जब पेपर को सही से हैंडल कर पाओगे तो आप बताओ क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा है,
तो अभी मैंने बताया इसको लिख सकते हो cos 9x हो गया और ये 10 होगा और cos माइनस थीटा cos हो जाता तो 10x। ये तो पहले फंक्शन हो गया, आपसे ये नहीं पूछा, f pi by 2 पूछा है, तो cos 9 into pi by 2 plus cos 10 into pi by 2, cos में अगर odd हो तो 0 और ये हो गया cos 5 pi by 2, 5 pi, और cos 5 pi by की वैल्यू -1, कहां है -1, ये -1, तो करेक्ट आंसर इज -1। यानी क्वेश्चन में आपको केवल इतना, अब क्यों बच्चे घबराए, ये पेपर इसलिए जो बच्चे 24 का एग्जाम दे चुके सीखिए, पेपर टफ नहीं था, पेपर ऐसा नहीं था कि मैनेज नहीं हो सकता था, बट आपके देखने का नजरिया क्या है सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। जितने क्वेश्चन अभी तक किए सब बेस लेवल के थे, बहुत बेसिक आना चाहिए था, इसके लिए एडवांस नहीं, बेसिक आना चाहिए था, जो लास्ट टाइम में लोगों को मिसगाइड किया कई बच्चों को, वहीं से कई बच्चों का रिजल्ट बिगड़ा। आप लोग इस साल बिल्कुल मिसगाइड मत होइए, इधर उधर भटकिए मत, सही जगह जुड़े, सही अप्रोच से पढ़ाई करिए, प्रॉपर कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चंस बनेंगे। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² + 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 कॉस एक्स 2 to 4 एंड ई पावर माइनस एक्स। अब सुनिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रू। अब इसमें ऑप्शन चारों ऐसे हैं जिनको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन वेरीफाई करना हो, कंक्लूजन देना हो या टाइम टेकिंग हो, फर्स्ट राउंड में मत करिएगा, सेकेंड या थर्ड राउंड में करिए, मैं भी आपको उसी ऑर्डर में करवाऊंगा, पेपर पूरा करेंगे पर ऑर्डर बाई ऑर्डर करेंगे। फिर बात करते, देखिए एक और क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एफ वन फॉर एफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू। आपसे एफ वन का वैल्यू पूछा है, अगर आपसे f1 का वैल्यू पूछा इसका मतलब ये पूरी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। सिंपल लॉजिक से देखो तो अगर x के प्लेस पे आप 0 पुट कर देंगे तो f1 ही बचेगा, तो ये आ गया f2। अब आप बोलो सर एग्जाम में क्लिक नहीं करा, एग्जाम में जब क्लिक करेगा, जब आप एक पीसफुल माइंड से पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट right? तो इतना सिंपल था, पर अगर आपको क्लिक नहीं करना था, सिंपल था, आपको इससे कंपेयर ही करना था बस, तो 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। मान लो आपसे क्वेश्चन में कभी f3 पूछा था तो क्या करते हैं आप, इसको केवल 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x को 3 से कंपेयर कर देते, तो 1 माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 3x, देन 4x इक्वल टू, ये यहां पे भी 3 हो जाता, 4x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। आप x के प्लेस पे माइनस 1 बाय 2 पुट कर दीजिए, यहां पे पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहां पुट करेंगे तो 3/2 आंसर आ जाएगा। यानी आपसे जो पूछा है f5 f10 उसको इस फंक्शन से कंपेयर करना था, टू इजी क्वेश्चन, हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन, कैसे करते हो कैसे सोचते हो एवरीथिंग डिपेंड, क्लियर है बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या क्वेश्चन है, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पे पहले करिए बात, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन से अगर आप 30-35 क्वेश्चन तक पहुंच गए, इस मीन्स आप टॉप 10 में पहुंच गए। अब टाइम बचा हो, 70 मिनट की विंडो है, देन गो फॉर टफ क्वेश्चन, अदरवाइज लीव, डिपेंड ऑन कि टाइम होगा खत्म हो जाएगा तो वैसे ही अगली विंडो पे आ जाओगे, तो ये थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ो। इसलिए मैंने बोला कि इस बार इतने अर्ली पेपर एनालिसिस इसलिए दे रहा हूं कि सही समय पे सही गाइडेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन में पढ़ाई करो, जिससे एक अच्छी रैंक अचीव करो, मिसगाइड ना हो। देखिए क्या क्वेश्चन, इफ मॉड एफ मतलब फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड के टर्म में दिया है 40 न्यूटन, ओके, डिस्प्लेसमेंट 33 मीटर्स और एंगल दिया है 60 डिग्री, देन द वर्क डन बाय फोर्स एफ एक्टिंग पी टू क्यू, ओके, एक कोई पॉइंट है पी से क्यू, इस पे आप वर्क डन लोड कर रहे हैं, है ना, पी से क्यू पे वो हो रहा है, फोर्स एफ आपने एक्ट किया, ये पॉइंट डिस्प्लेस हुआ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब आपने पढ़ा है ये, पर ये जब जब वेक्टर के टर्म में चीजें दी हो, वेक्टर में नहीं दी हो तो आपने पढ़ा है ए डॉट बी क्या होता है बेटा, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, मॉड एफ मॉड ए बी इंटू कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हो, बिल्कुल डॉट सिंपल फॉर्मूला से। तो मॉड ये 40 दिया है, ये 3 दिया है और ये cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 40 इंटू 3 इंटू ये, और स्टेप आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो 20 इंटू 3 60,
60 जूल इज अ राइट आंसर। वेक्टर का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इजीली क्रैक किया जा सकता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन 3x² प्लस 10xy प्लस 11y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y प्लस 5 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। अब जब मैं आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाता हूं तो पहली क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ाता हूं कि अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दी है तो ये कई सारे कर्व को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके लिए आपको डेल्टा चेक करना पड़ता है। अगर डेल्टा 0 हो तो ये कहलाती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर डेल्टा 0 आए तो एक थोड़ा रिवीजन भी करवाता चलता हूं, इतना आप एक मिनट से कम का क्वेश्चन, एक मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और डेल्टा नॉट 0 हो तो एच और ए बी के रिलेशन देखते हैं, आपको पता होगा अगर ए बी के इक्वल हो, एच 0 हो तो सर्कल मिलता है, एच स्क्वायर ए बी के इक्वल हो तो पैराबोला मिलता है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो तो इलिप्स मिलता है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो तो हाइपरबोला मिलता है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लो ऑप्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये चेक ही नहीं करना, यानी आपका ये टाइम बच गया। अब इसमें कहीं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं था, आपको ऑप्शन पे नजर रखना, आपको क्वेश्चन पे नजर रखना है, आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए पूरे फुल टाइम। तो अब एक बार बताइए कि इसमें ए है 3, एच है 5 और बी है 11, तो एच स्क्वायर देखेंगे 25, ए बी देखेंगे तो 33, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो क्या हो गया, एन एलिप्स। हार्डली 10 to 20 सेकंड, क्योंकि डेल्टा नहीं निकालना पड़ा बिकॉज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं था, वो होता एक मिनट के ऊपर का हो जाता। तो क्या नजर से क्वेश्चन को देख रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस e पावर माइनस x माइनस 2x अपॉन 1 माइनस cos x, राइट। अगर आपको मैं जब लिमिट पढ़ाता हूं, वैसे ये फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो ये लिमिट की हम थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, पर पहली क्लास में मैं एक आपको बताता हूं एल हॉस्पिटल रूल, उसमें आप पहली क्लास से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल को आप समझें तो एल हॉस्पिटल रूल बड़ा सिंपल होता है, ये सब आपने सुना होगा इतने चीजें, कि अगर आपने लिमिट रखी और 0/0 या ∞/∞ की फॉर्म है, 0/0 या ∞/∞ की फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, राइट। तो अब अगर हम इसको ध्यान से समझें तो यहां पर 0 रखने पर देखो e पावर 0 भी 1 होगा और e पावर माइनस एक्स माइनस 0 भी 1 ही होगा, तो आप देखो 1-1 0 और 0 और यहां पर cos 0 1, तो इसका मतलब आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल के लिए केवल इतना पता होना चाहिए कि बेसिक डिफरेंशिएशन क्या, अब आप पेपर देने गए हो तो बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता होगा ना, तो डिफरेंशिएट किया तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि निगेटिव है, माइनस 2 अपॉन 1 का 0 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। अब फिर 0 रखा, 1+1 2, 2-2 0, अगेन 0/0 की फॉर्म है, अगेन डिफरेंशिएट e पावर x e पावर माइनस x माइनस आ जाएगा अपॉन cos x। अब 0 रख दो तो 1-1 अपॉन 1, तो आंसर इज 0। 1 मिनट से कम में आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था और मेंटली हो सकता था एल हॉस्पिटल रूल से, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी, मेथड से करते तो फॉर्मूला फॉर्म बनाते, बट नो नीड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वेक्टर a 2x+1 इंटू आई प्लस x² - 6y इंटू जे प्लस xy² + 3z इक्वल टू जेड के एजा सिंक फील्ड, है ना, या सोर्सेस फील्ड, ये सारे के ऑप्शन है। अब ये डाइवर्जन कन्वर्जन का क्वेश्चन है, बीएससी वाले पार्ट का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ बच्चों ने बोला यही क्वेश्चन स्टार्टिंग था, कई बार ऐसा होता है, लीव दिस क्वेश्चन, आपके पास बहुत स्कोप है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे इसके बारे में बाद में सोचिए, अभी क्यों सोच रहे हो आप इस क्वेश्चन के बारे में, आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 5 पावर 1+ mod sin x प्लस मॉड साइन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 25 वो इक्वल टू 25। ओके, 5 की पावर के टर्म में कुछ दिया है, ऐसा सोचिए 5 की पावर
का इक्वल टू आंसर है 25. 25 मतलब 5 का स्क्वायर, यानी पावर की ओवरऑल वैल्यू 2 होनी चाहिए. सिंपल लॉजिक है राइट. यानी आपके पास 1 प्लस मॉड साइन एक्स प्लस मॉड साइन एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट 2 के इक्वल होना चाहिए. ये इनफाइनाइट जीपी कहलाएगी. साइन एक्स की वैल्यू वैसे ही लेस देन 1 होती है, तो a अपॉन 1 माइनस आर से अगर मैं करूं तो मैं यही लिखूंगा 1 अपॉन 1 माइनस मॉड साइन एक्स इक्वल टू 2, या 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस मॉड साइन एक्स, या मॉड साइन एक्स इक्वल टू 1/2, या साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. इसमें केयरफुल रहना थोड़ा, क्योंकि मॉड है. तो मॉड में अब आपको पता है 0 से पाई में 2 सॉल्यूशन, और 0 से माइनस पाई में भी 2, क्योंकि 0 से पाई मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से माइनस पाई मतलब थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो प्लस 1/2 मत लिख देना, प्लस 1/2 लिखोगे तो 2 बोलोगे. तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए? देयर आर 4 सॉल्यूशन. क्वेश्चन टफ नहीं थे, बेस लेवल के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन थे, होल्ड करके देने वाला पेपर था. दिखने में नो डाउट सरप्राइजिंग था, पर जितना होल्ड करके ये पेपर दोगे उतना अच्छा स्कोर कर सकते थे इस पेपर में. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लेट सी डिनोटेड द सेट ऑफ ऑल ट्रिपल्स विथ सेटिस्फाई. ये क्वेश्चन रॉन्ग था, ये मैंने चैलेंज में भी बताया था, ये क्वेश्चन कैंसिल भी हो गया था. अभी इस पर अपन कोई बात नहीं करते क्योंकि कैंसिल हो चुका था. ये ऐसे दो क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत परेशान किया, बिना बात के परेशान हुए. ये भी करवा दूंगा मैं आपको, बट मुद्दा ये है कि आपको जो चीज नहीं मान लो पता है उसको छोड़ दो ना. आपको आपको सबसे पहले क्या बताया कि आप टॉपर बनने के लिए, टॉपर बच्चे के भी 42 मैथ्स में राइट थे, थर्ड रैंक वाले के तो 35 थे. तो आप और देखिए हम अभी तक कहां तक आ गए हैं, 18 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं. मैंने एक वो कंटिन्यूटी का इसलिए छोड़ा कि उसमें एक एक स्टेप चेक करनी होगी. 15 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, यानी और सारे क्वेश्चन अगर बेसिक लेवल पे है, मैं जो ये सब पोर्शन क्लास के स्टार्टिंग 2-3-4 क्लास के अंदर करवाया जाता है. तो आप देखिए आपके सामने है पेपर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है. द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 1 to n 1/2 समेशन आर इक्वल टू 1 to n 1/2 npr अपॉन फैक्टोरियल r. ऐसे क्वेश्चन को तो आप वैल्यू लेके भी रख कर सकते हो. जैसे अगर आप r की वैल्यू 1 ही ले लें, तो 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 to 1, तो 1/2 1p1 फैक्टोरियल 1, तो आंसर आया 1/2. अब ऑप्शन में 1 रखने पे 1/2 कौन देगा, 2 ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा. एक ही आंसर है 1 - 1/2 = 1/2. क्वेश्चन सॉल्व. परम्यूटेशन का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे बना हुआ क्वेश्चन है, बिना किसी प्रॉब्लम के आप सॉल्व कर सकते थे. एक सिंगल वैल्यू से क्वेश्चन हो सकता था राइट. तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को सही नजरिए से देखेंगे, मैं श्योर हूं आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ क्वाइन इज थ्रोन 8 नंबर ऑफ टाइम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन ऑड नंबर ऑफ थ्रो. यानी एक क्वाइन को आप 8 टाइम, अ क्वाइन इज थ्रोन 8 नंबर ऑफ टाइम, 8 टाइम थ्रो कर रहे हैं, हेड जो है वो ऑड नंबर ऑफ थ्रो में आना चाहिए. मतलब फर्स्ट थ्रो में, या थर्ड थ्रो में, या फिफ्थ थ्रो में, या सेवंथ थ्रो में. यानी इवन नंबर पे आपको टेल, अलग पेंसिल ले लेते हैं, इवन नंबर पे टेल ये होना चाहिए राइट. अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ऑड और इवन की बात कर रहे हैं. ऑड भी उतनी बार आएगा, इवन भी उतनी बार आएगा, यानी 50-50% चांस. तो आंसर इज 1/2. यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हेड कब कब आना चाहिए, या तो फर्स्ट थ्रो में, या थर्ड थ्रो में, या फिफ्थ थ्रो में, या सेवंथ थ्रो में, आउट ऑफ 2n. आपको याद हो प्रोबेबिलिटी में मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि आप px इक्वल टू r के लिए अगर क्वाइन की बात कर रहे हैं, एक सिंपल फॉर्मूला ncr अपॉन 2n बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो फॉर्मूला था उसको और शॉर्ट करा था हमने. ncr q/n-r p/r को और शॉर्ट करके लिखा था. अच्छा, ये ऑड का समेशन है तो 1/2 2n/2n ये कैंसिल, ये हो गया. पर लॉजिक से भी बता सकते हो कि जितने बार ऑड है उतने इवन है, तो 1/2 राइट. यानी इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे. ये नॉर्मली हम क्लास प्रोबेबिलिटी की सेकंड क्लास में डिस्कस करते हैं.
चलिए फिर देखते हैं। देखिए एक वेक्टर का क्वेश्चन है, अ मैन स्टार्ट एट द ओरिजिन ओ एंड वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट इन द नॉर्थ ईस्ट ठीक है डायरेक्शन एंड देन वॉक अ डिस्टेंस 4 यूनिट इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन टू रीच द पॉइंट पी, देन ओपी इज इक्वल टू। ओके क्वेश्चन टफ नहीं है, पर ये सेकेंड या थर्ड राउंड में भी कर सकते थे अगर आपको क्लिक नहीं करता। बाकी इसकी ट्रिक मैं बता दूंगा क्योंकि ट्रिक से बहुत इजीली हो जाता। आप देखिए सबसे पहले तो डायरेक्शन सेंस ये कहता है एक व्यक्ति ओरिजिन से चलना चालू करता है और नॉर्थ ईस्ट में जाता है कितना 3, फिर नॉर्थ ईस्ट से जाके फिर नॉर्थ ईस्ट से 3 गया, फिर बोलो देखो एंड देन वॉक अ डिस्टेंस 4 यूनिट इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, 4 यूनिट इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया, ये 45 होगा। यहां पर अगर डायरेक्शन को मैं बनाऊं तो ये 45 है तो ये भी 45 यानी ये 90 डिग्री। तो आपको अब ओ से पी के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये क्वेश्चन बोला गया, इसको पॉइंट ए दे दो चाहो तो, ये पी तक का डिस्टेंस बताना है। अब ये 3 और ये 4 है तो लॉजिकली अगर इसकी डिस्टेंस निकालोगे तो 5 यूनिट आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसमें एक्स वाला निगेटिव होगा और वाई वाला पॉजिटिव। आप इतना देखो कि एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव कहां है, तो एक्स ये खत्म ये भी खत्म, अब ये 2 है, अब किसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है तो ये भी खत्म, इसका मैग्नीट्यूड देखोगे 1/√2 1+49 एंड दिस इज 5। यस और नो, ये हो गया इतने इजीली। बाकी मेथड से करते तो इसको आप 45 डिग्री से cos 45 डिग्री इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते कि x अपॉन 3, सिमिलरली sin 45 y अपॉन 3, ऐसे ही इसके लिए भी निकाल लेते इसके पैरेलल वेक्टर को मान के। पर क्वेश्चन को किस ढंग से देखा जा रहा है एवरीथिंग डिपेंड, क्या आप किस ढंग से देखते हैं, कितनी स्मॉल टेक्निक से हो सकता है। तो अगर आप इसे मेथड से कर रहे होते तो ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता, बहुत इजीली मेथड से भी किया जा सकता था, बस आपकी अप्रोच पे आपको कमांड करना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है, मिसगाइड नहीं होना है। देखिए फिर से समझिए, ये आप गए 3 यूनिट ठीक, ये वाई एक्सिस है, फिर आप गए 4 यूनिट, ये गए 4 यूनिट, ये पॉइंट ओ था, ये ए गए और ये पी गए। अब आपसे ओपी पूछा है राइट, ये ओपी पूछा है। अब अगर मैं चाहूं तो इसके पैरेलल एक वेक्टर बना सकता था, ये बन गया, ये 4 यूनिट का तो ये भी 4 यूनिट का, और सिमिलरली ये 3 यूनिट का तो ये भी 3 यूनिट का, क्योंकि वेक्टर कर रहे हो आप। अब अगर मैं आपसे बोलूं नॉर्थ ईस्ट है तो 45 डिग्री पे होगा, ये देखें तो ये भी 45 डिग्री पे, तो ये 45 पे होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहें, जैसा भी एक्स वाई मानो थोड़ी देर के लिए, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू एक्स अपॉन 3 सॉरी हाँ, और साइन 45 डिग्री इक्वल टू y अपॉन 3, इसका मतलब x की वैल्यू है 3/√2, y की वैल्यू है 3/√2 यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3/√2 3/√2। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि OA वेक्टर क्या होगा तो आप ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, 3/√2 इंटू आई प्लस 3/√2 इंटू जे, मेथड भी सीख लो। अब ऐसे ही इस वेक्टर को निकालना तो इसके पैरेलल को निकाल सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो यहां एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव, तो अब यहां पर एंगल 45 है तो कॉस 45 लिखोगे माइनस एक्स अपॉन 4, साइन 45 इज सिमिलरली वाई अपॉन 4। अगर मैं आपसे बोलूं इसको नाम दे देते हैं ए डैश मान लो, तो ओ ए डैश क्या होगा, या कुछ और नाम दे दो, बी दे दो राइट, तो ओ बी वैक्टर क्या होगा, तो आप बोलते माइनस 4/√2 इंटू आई प्लस 4/√2 इंटू जे, यही बोलते। और ये एपी वेक्टर भी होता क्योंकि पैरेलल है। अब आपको बताना है ओपी, ओपी वेक्टर क्या होगा, ओए प्लस एपी वेक्टर सम रूल से। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 1/√2 आई 4+3 7/√2 जे। अब आप अगर मेथड से कर रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, बट लॉजिक से करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, आई और ये 7j राइट क्वेश्चन। और मैंने खुद ही बोला आपसे आप सेकंड थर्ड राउंड में कर सकते हो, अगर आपको देख के लग रहा है आपके पास स्कोप है, आप चिंता मत करो, बस आप पहले वो ढूंढो जो सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन हो। ये सब कैसे,
जब आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होगी। कैसे होगी? आपको क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक, किस क्वेश्चन को पहले करना है, किसको बाद में, ये पेपर एनालिसिस से पता चलता, प्रिंटेड सॉल्यूशन से नहीं होता। मैं इसलिए हमेशा जो टेस्ट लेता हूं वो उन पेपर के लाइव एनालिसिस करता हूं, जिससे कि एक सॉल्यूशन अप्रोच डेवलप हो, एक लॉजिकल अप्रोच डेवलप हो, कि क्वेश्चन को देख के थॉट तो आए, क्लिक तो करे, करना क्या है, ये बात आप ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी 1.4 एंड क्यू के 3 हैज वाई इंटरसेप्ट -4 देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। राइट, क्वेश्चन टफ नहीं है, मेथड से भी हो सकता है, ऑप्शन से भी हो सकता है, आप थोड़े से लॉजिक लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, पहले तो ट्रिक बताता हूं। और ये स्ट्रेट लाइन में जब हम पढ़ते हैं, पहली क्लास में होने वाला क्वेश्चन है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर कभी भी किसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकालना तो एक्स की जगह 0 रख दो, सीधा सीधा मिल जाता है। और कभी वाई इंटरसेप्ट है, अगर कभी एक्स निकालना तो वाई को 0 रख दो। ये तो टेक्निक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि ये दो पॉइंट दिए हैं पी 1.4 और क्यू दिया है के 3, और आपको बाइसेक्टर मतलब इसका मिड पॉइंट इसकी बात कर रहे हैं। अब इसका अगर मिड पॉइंट देखें तो के प्लस 1/2 और 4+3 7/2 और इसका बाय इंटरसेप्ट 4 दिया। अब इसका जो भी स्लोप होगा और इसका जो भी स्लोप होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -1। तो मान लीजिए हम ऑप्शन से करना चाहें तो सभी ऑप्शन स्क्वायर में आ रहा होगा, जैसे 1 इसलिए मत रखो कि 1-1 0 हो जाएगा इंफिनिटी, तो इसको छोड़ देते हैं अभी अपन। अब जैसे 3 रखता मान लो मैं, तो क्या होता? अगर मैं 3 रखता तो 3+1 4, 4/2 2, 7/2 ये आ जाता। अच्छा, इसका स्लोप कितना आ जाता? आप बस इसके स्लोप से देख लो, 3-4 अपॉन k-1। राइट, तो ये हो गया -1 अपॉन k-1। तो इस लाइन का जो स्लोप होता वो जाता k-1। अब k की वैल्यू अगर आपने 3 मानी है तो ये हो गया 2। राइट, अब स्लोप पता है 2 और पासिंग थ्रू पता है, तो आप इससे बहुत इजीली बता सकते हो कैसे, y-y1 इक्वल टू m(x-x1)। अब x के प्लेस पे अगर आप 0 रख दोगे तो आपको ये मिलेगा -4 और ये जुड़ेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली आप 2 भी रख के देख सकते हो और सिमिलरली आप 4 भी रख के देख सकते हो। तो मान लो कि मैं अगर इसमें 2 रख दूं, 2 रखता तो ये 3/2 होता और यहां पर ये होता 1। तो अब मैं लिखता y-7/2 इक्वल टू 1 x-3/2। अब x के प्लेस पे जब 0 रखते तो y इक्वल टू -3/2 + 7/2, ये पॉजिटिव आता, इसका मतलब ये भी नहीं है। राइट, ये जब आंसर है ही नहीं तो बचा हुआ आंसर होगा। फिर भी कॉन्फिडेंस के लिए अभी 4 रखता हूं, फिर मैं आपको इसका पूरा मेथड बताऊंगा। तो अगर मैं 4 रख दूं तो 4+1 ये हो गया 5/2 एंड दिस इज 7/2, और 4 रखा तो इसका स्लोप हो गया 3। अब बताओ इक्वेशन क्या होती है, वाई ये बनी रहने देना इक्वेशन, 2 इक्वल टू 3 x-5/2। एक्स के प्लेस पे 0 रख दो तो -15/2 + 7/2 एंड दिस इज -8/2, ये हो गया -4, यानी इंटरसेप्ट -4 आ गया। तो ये तो हुई ट्रिक, पर इसमें टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, सेकंड थर्ड राउंड में करना है। अब इसे पूरा ही मेथड से करना होता तो वो क्या करते हैं वो भी बता देता हूं। चलिए अब इसकी मेथड की अगर मैं बात करूं कि मान लो पूरा ही मेथड से करना होता तो क्या करते, तो क्वेश्चन को देख के आप ये इंटरप्रेट भी करो कि अगर क्वेश्चन टाइम ले रहा है तो गो फॉर सेकंड थर्ड राउंड, डिपेंडिंग ऑन टाइम, टाइम है तो ठीक है, नहीं तो बाद में सोचेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं पूरी तरह से मेथड से करूं तो क्या क्या होगा, ये ऐसा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो इस पॉइंट के पी के कोऑर्डिनेट है 1.4 और क्यू के कोऑर्डिनेट है k-3। अब बाई सेक्टर बोला तो मिड पॉइंट हो गया, तो k+1/2 और 7/2। अब इस लाइन का स्लोप आपने अभी बताया कि 4, कहीं से भी लिख लो 4-3 1/1 k। राइट, तो इसका स्लोप m1 ये हो गया मान लो, ठीक,
तो एम टू क्या हो जाएगा? तो आपको पता है वन अपॉन वन माइनस के इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, तो एम इक्वल टू एक तरह से हो गया के माइनस वन, तो इसका स्लोप हो गया इस लाइन का के माइनस वन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट। अब देखो मेथड से कोई टाइम नहीं लगेगा, तो वाई माइनस, आप लोग एक और बात ध्यान रखना है कि मेथड या ट्रिक या लॉजिक या ऑप्शन जो भी अप्लाई कर रहे हो जिसमें लेस टाइम लग रहा है वो और क्रॉस चेक करने का काम नहीं करना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, के माइनस वन इंटू एक्स माइनस के प्लस वन बाय टू। अब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस माइनस फोर गिवन है, तो इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दो सीधे सीधे, तो वाई का इंटरसेप्ट मिलेगा, तो वाई इक्वल टू के माइनस वन, ये वाला माइनस का बच जाएगा, के प्लस वन बाय टू विथ माइनस, और ये प्लस उधर जाके सेवन बाय टू हो गया। तो एक तरह से मुझे मिल गया, क्या मिल गया, ये माइनस के प्लस वन हो गया, तो वन माइनस के स्क्वायर अपॉन टू प्लस सेवन बाय टू, तो फाइनली मिल गया एट माइनस के स्क्वायर बाय टू इक्वल टू माइनस फोर, ये गिवन है, तो एट माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एट, या के स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन, तो के इक्वल टू प्लस माइनस फोर, ये इसका प्रॉपर तरीका भी हो सकता था, डिपेंड करता है आप किस लॉजिक से क्वेश्चन को कर रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सेकेंड थर्ड राउंड में जाइए, पर ये आप बाइसेक्ट मिड पॉइंट और स्लोप म्यूचुअली दो लाइन परपेंडिकुलर है उस कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन है, यानी अगर आपने बेसिक बुक्स अच्छे से करी है बेस बुक, आप इन क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ क्रिटिकल ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज परफॉर्म्ड ऑन थ्री पेशेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग अ पेशेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरिंग अ पेशेंट है 0.6, मतलब 6/10, ओके। तो ये रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो जो रिकवरी नहीं होगी वो होगी 4/10। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर सर्जरी एग्जैक्टली टू ऑफ देम विल रिकवर, तो एग्जैक्टली टू ऑफ देम बोला, तो आप चाहो तो प्रोबेबिलिटी इससे भी कर सकते हो, एनसीआर क्यू पावर एन माइनस आर पी पावर आर, बहुत ही सिंपल है, 3C2, टू रिकवरी हो तो क्यू कितना हो गया 4/10 की पावर 1, पी हो गया 6/10 की पावर 2, 3 4/10 इंटू 36/10, तो ये हो गया 144 इंटू 3 अपॉन 10, 100, राइट। तो 144 इंटू 3 करोगे तो 400 समथिंग डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो गया, इतने में काम हो गया, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 432 अपॉन 100, यानी नीचे, अच्छा सॉरी 1000 होगा ये 1000, तो 0.432 इज अ राइट आंसर। या ऐसा सोच सकते थे आप कि एग्जैक्टली 2 बोला है तो फर्स्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो, है ना, मतलब पहली दो सर्जरी सक्सेसफुल हुई तीसरी फेल हो गई, या पहली सक्सेसफुल दूसरी फेल फिर सक्सेसफुल, पहली फेल दूसरी दो सक्सेसफुल, और फिर सक्सेसफुल होने के बाद वही बात वही हो गई 6/10 6/10 4/10, और ऐसा कितने टाइम 3 टाइम जो वो लिखा है, राइट। बिल्कुल इजीली आप कर सकते थे, और ये मैं प्रोबेबिलिटी की दूसरी तीसरी क्लास में क्वेश्चन को कवर करता हूं, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्वेश्चन का क्या है, एक्सपोनेंशियल सीरीज का, द वैल्यू ऑफ सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज मैं हमेशा पढ़ाता हूं लॉग के साथ, लॉग के साथ लॉग एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज। अब ये क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंशियल सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीका होता है, दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसे देखिए, एक तरीका है 3 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 5 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 7 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, और इसको आप ऐसा लिख सकते थे 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, राइट। ये हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल एन होता है एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, ऐसा चल रहा है, और ये सीरीज होती है ई इनवर्स की, यानी 1 अपॉन ई की, देखिए ई इनवर्स ये लिखा हुआ है, ई इनवर्स की सीरीज होती है
वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन, ये दो कैंसिल तो स्टार्ट वन बाय फैक्टोरियल टू से होती, या फिर इसका nth टर्म निकाल के भी कर सकते थे। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप nth टर्म से करते हैं या इस कंसेप्ट से करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, समझ लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देयर आर 9 बॉटल लेवल्ड 1 टू 9 एंड 9 बॉक्सेस लेवल 1 टू 9, द नंबर ऑफ वेज वन कैन पुट दीज बॉटल इन द बॉक्सेस सो दैट ईच बॉक्स गेट वन बॉटल एंड एग्जैक्टली 5 बॉटल गो इन द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस। इस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं, 4 एनवेलप 4 लेटर, सभी लेटर सही जगह जाए, या 5 बॉक्स 9 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस में सही हो 5 में गलत हो, यानी डीअरेंजमेंट और लॉजिक दोनों लगा। आप समझिएगा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि देयर आर 9 बॉक्सेस, ऐसे आपके पास 9 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 सपोज, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, बॉक्स 7, बॉक्स 8 और बॉक्स 9। अब आपके पास 9 बॉटल है या 9 आप बॉल मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। अब एक में एक ही पुट करनी है, ये बॉटल हो गई, तो 5 बॉल तो बिल्कुल सही ठिकाने पे जाएं, बाकी 4 गलत जाएं, क्योंकि अगर एग्जैक्टली 5 बोला है तो 5 के बाद नहीं होना चाहिए। तो पहले बताओ 9 में से हमने ये 5 बॉटल निकाली तो 9 से 5 जो भी बॉटल निकली होगी, मान लो सपोज 1 नंबर की निकली, 3 5 और 7 और 9 की, तो आपने क्या करा, 1 में 1 को डाल दिया, 3 में 3 को डाल दिया, 5 में 5 को डाल दिया, 7 में 7 को, 9 में 9। और क्योंकि सभी बॉल सही ऑर्डर में ही हो तो इसका एक ही तरीका होगा, तो इनटू 1 लिखा, तो 9C5, और जब आपने इसको अरेंज कर दिया तो ये हो गया। अब उसके बाद जो बची हुई बॉटल है हमारे पास कौन कौन सी, 2, 4, 6, 8, इनको हमें सही प्लेस पे नहीं रखना, तो हमें डीअरेंजमेंट फॉर्मूला यूज करना। डीअरेंजमेंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर एन के लिए करें तो फैक्टोरियल एन 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब एक चीज याद रखिए, इसको चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, नो इशू, पर याद रखना आसान होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब ये फैक्टोरियल 4 हुआ, अब डायरेक्ट लिखते हैं तो कैंसिल हो गया, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 24। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा और ये 24 इससे कैंसिल होगा, तो कितना, 12 माइनस 4 प्लस 1, तो ये मिल गया 9, तो इनटू में 9 और आएगा। क्वेश्चन सेकंड या थर्ड टाइम में करने वाला था, पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर थे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता था। अब ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर आपने उन्हें पहले राउंड में लिया, होल पेपर बिगड़ जाएगा, फिर संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपको बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। तो अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी लेवल हाई हो। तो इस तरह के क्वेश्चन, एक तो रीडिंग टाइम, फिर अगर आपका कहीं कंसेप्ट मिस हुआ तो रॉन्ग होने के चांस, गो फॉर सेकेंड और थर्ड राउंड, और मे भी हो सकता है आप अटेम्प्ट करें ना करें, डिपेंड परमुटेशन कितने अच्छे से करा है। पर ये क्वेश्चन मैं जब परमुटेशन पढ़ाता हूं और डी अरेंजमेंट पे आता हूं, यानी फोर्थ फिफ्थ क्लास वाला है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकेंड थर्ड क्लास के, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं 10-15 जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसलिए बहुत डिटेल में चीजें इसलिए करवाता हूं कि कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसको इजीली हैंडल कर पाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, फैक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ मच वर्क डज इट टेक टू स्लाइड अ क्रिएट फॉर अ डिस्टेंस। इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, डिस्टेंस है 25 मीटर अलोंग अ लोडिंग ट्रक्स बाय पुलिंग ऑन इट बस 180 फोर्स है 180 न्यूटन, एंगल है 45 डिग्री। तो आपको वर्क डन पूछा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर वेक्टर टर्म में दिया है तो, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था, फोर्स है 180, डिस्प्लेसमेंट है 25 और कॉस 45, दिस इज 1/√2, तो 180 इंटू 25 1/√2, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 180 25 इंटू √2 अपॉन 2, तो 90 हो जाएगा, तो 90 इंटू 25 इंटू √2, अब पूरा मल्टीप्लाई करे बिना भी लॉजिक से दे सकते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 25 तो 225, यानी 2250 इंटू 1.414, लगभग डेढ़ मान सकते हैं। अब आपके आंसर में 10 टू दी पावर 3 के, देखो
जैसे 2250 लिखा है, ठीक। अब इसमें 1.41 का मल्टीप्लाई करोगे बात की बात है, पर इसको मैं चाहूं तो 2.250 इंटू 10 पावर 3 लिख सकता हूं। तो 10 पावर 3 वाले आंसर कितने? ओनली 2, ये हो गए। अब ये 3.18 है और ये 3.4 है। केवल आपको इतना सा काम करना है कि 1.5 का अगर आप 2 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.18 के आसपास आ सकता है। कितना आ सकता है? उतना सा ही मल्टीप्लाई चेक करना है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, पूरे मल्टीप्लाई के लॉजिक में पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल से लॉजिक से आप क्वेश्चन को कर सकते थे बिना कोई दिक्कत के। तो क्योंकि 1.414 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 3.18। केवल 3.1 आते ही आप इस आंसर को मार्क कर सकते थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है? द वैल्यू ऑफ द लिमिट 1 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 3 पावर x प्लस 4 पावर x अपॉन 4 की पावर 1 बाय x। लिमिट में मैं आपको एक ट्रिक फॉर्मूला बताता हूं, अगर 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म हो, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए और लिमिट रखने पर 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म हो, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e power gx into fx minus 1, या e पावर जिसे मैं याद रखवाता हूं पावर इंटू बेस माइनस 1। अगर मैं 0 रख दूं तो 1 1 1 1 4 अपॉन 4 1 1 की पावर इंफिनिटी है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा लिमिट का एक फॉर्मूला ये भी होता है, लिमिट x टेंस टू a सॉरी 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहूं तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अगर लगाऊं तो e पावर 1 बाय x, 1 पावर x, 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x अपॉन 4 माइनस 1। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 1 पावर x, 2 पावर x। अब इतना मत लिखना आप, क्योंकि आपको अगर किसी को क्लिक कर गई होगी मेरी बात तो आराम से समझ गया होगा। 4 को 1 बार 4 टाइम ब्रेक कर लो और इस 4 को बाहर, इस x को अंदर, तो 1 बाय 4 ये हो जाएगा 1 पावर x माइनस 1 अपॉन x, ऐसा लिख सकते हो, प्लस 2 पावर x माइनस 1 अपॉन x, प्लस 3 पावर x माइनस 1 अपॉन x, प्लस 4 पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये सब मत लिखना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो e पावर 1 बाय 4, ये log 1, ये log 2, ये log 3 और ये log 4। ये भले ही 0 हो जाए पर ये log m इंटू n लगाओगे तो e पावर 1 बाय 4 log 24, यानी 24 की पावर 1 बाय 4, 24 को फैक्टुअल के टर्म में दिया तो फैक्टुअल 4 की पावर 1 बाय 4 भी लिख सकते थे। लिमिट के जब हम फॉर्मूले वाले पोर्शन पे आते हैं तो ये वाला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, बेस पावर वाला, उस पे बेस क्वेश्चन था। कंसेप्चुअली पढ़ाई की, इस तरह के क्वेश्चन के लिए डिटेल में जाना होता है, तो अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ाई की है आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स पे बेस क्वेश्चन है और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे बेस, जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपको कवर करवाई है उस पे बेस। फॉर एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट नॉट जीरो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब ट्रू वाला नहीं बताना, नॉट ऑलवेज ट्रू मतलब कभी ट्रू और कभी फॉल्स हो वो बताना है। अब क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिखा है तो डिटरमिनेंट नॉट जीरो, ये तो ऑलवेज ट्रू है तो ये आंसर नहीं होगा। अब ए इंटू ए इनवर्स डिफॉल्ट आई होता है वन होता है, मतलब आई होता है और आई का डिटरमिनेंट वन, ये भी ऑलवेज ट्रू है इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा, राइट। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोला है तो इसका एडजॉइंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उसका डिटरमिनेंट ये भी ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि एडजॉइंट ए क्या होता है, अगर आपको पता हो कि एडजॉइंट ए पूछा है और उसका भी डिटरमिनेंट पूछा है, तो एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट पूछा है तो डिटरमिनेंट पावर ऑर्डर माइनस वन। अब क्योंकि ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये भी नॉन जीरो होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो आप श्योर होगा कि ये तीन आंसर तो नहीं है, राइट। अब तीन नहीं है तो बिना चेक करे आप बोल सकते हो ये करेक्ट आंसर है, पहली चीज। फिर भी आपको बता दूं ए इंटू एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू वन हुई तो ये वन हो सकता है, और नहीं हुई तो नॉट इक्वल टू वन, तो ये ट्रू भी हो सकता है और समटाइम
फॉल्स भी हो सकता है, मतलब कभी कभी ये वन हो सकता है और कभी कभी वन ये, अगर ये कुछ और वैल्यू होगी तो वन नहीं होगा, तो सम टाइम वन सम टाइम नॉट इक्वल टू वन, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को किस ढंग से देख रहे हो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। ए स्पीक ट्रूथ इन 40% केसेस एंड बी स्पीक ट्रूथ इन 50% ऑफ द केसेस, द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर व्हाइल सम इंसिडेंट, ठीक है, यानी ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 40%, यानी 4/10, और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 50/100, 50% मतलब 15/10, है ना, 10 लिखा देन तो कैंसिल करना आपके लिए आसान होगा, और वो कर भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/5 वगैरह, एनीवे। अब कंट्राडिक्ट मतलब अपोजिट, जब ए सच बोलेगा तो उस समय बी फॉल्स बोल रहा है, और जब ए फॉल्स बोल रहा है तो उस समय बी सच बोल रहा है, तो 4/10 इंटू 5/10 का 5/10 ही रहेगा, प्लस 6/10 इंटू 5/10, तो नीचे हो गया 100, 20+30 50, यानी 1/2। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहली क्लास की प्रोबेबिलिटी में, पहली क्लास में हम करते हैं प्रोबेबिलिटी की है, इतने इतने सिंपल क्वेश्चन थे, आप बस देखते क्या हो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। इफ 4,3 एंड 12,5 आर द टू फोकाई ऑफ एन एलिप्स पासिंग थ्रू द ओरिजन, देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, यानी एलिप्स की दो फोकाई दी हुई है। अब देखो स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो आप ऐसा ले लो, कहीं पे भी बना लो लेफ्ट डायग्राम, 4,3 और 12,5, देर आर टू फोकाई ऑफ द एलिप्स, ऐसा है, और बोला है पासिंग थ्रू ओरिजन, ऐसा मान लीजिए कहीं पे एक ओरिजन पॉइंट है, फोकाई के बीच का डिस्टेंस होता है, अगर कभी भी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई निकालोगे, राइट, डिस्टेंस बिटवीन अगर आप कभी भी फोकाई निकालोगे तो वो होता है 2AE, तो दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो 12 - 4 = 8, यानी 64 + 4 = 68, 68 मतलब 2√17 इक्वल टू 2AE, ए इक्वल टू √17, यानी √17 इन दो ऑप्शन में है, तो ये दो ऑप्शन रिजेक्ट। अब ए कैसे निकालेंगे, सिंपल लॉजिक है, आपको पता है इलिप्स की एक डेफिनेशन होती है, पी से एस का डिस्टेंस प्लस पी से दूसरी फोकाई का डिस्टेंस का सम 2a के बराबर होता है, पी मूव करते करते एक समय ओरिजिन पे भी आएगा, तो ओ एस डैश प्लस ओ एस इक्वल टू 2a, तो इसका डिस्टेंस निकालोगे तो 16+9 यानी ये 5, और ऐसे 14, ये सब जाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 13 इक्वल टू 2a, तो 2a इक्वल टू 18, देयरफॉर a इक्वल टू 9, अब ध्यान रखना 2a 18 है तो एक अपॉन में 18 है, गलती से वो ना लगा दे, तो a की वैल्यू 9 आ गई, तो e आ गया √17/9, राइट। अब सोचिए कि आपको ये क्वेश्चन लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, नहीं, आपने अगर एलिप्स का फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ा है, बेसिक डेफिनेशन पढ़िए, आप क्वेश्चन कर लोगे, तो जब मैं इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म या डेफिनेशन लिखवाता हूं, ये सब बताता हूं, क्वेश्चन के थॉट प्रोसेस को डेवलप करना, क्रिएटिव ब्रेन को डेवलप करना, आने वाला समय उसी का है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। गिवन अ सेट ए विथ मीडियन m1 इक्वल टू 2 एंड सेट बी विथ मीडियन m2 इक्वल टू 4, व्हाट कैन बी से अबाउट द मीडियन ऑफ द कंबाइंड सेट। एक मीडियन है m1 जो 2 है, जिसमें n ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं n1, एक दूसरी मीडियन है जिसके मीडियन 4 है, जिसके ऑब्जर्वेशन n4 हो सकते हैं। कंबाइंड मीन या कंबाइंड मीडियन, एक बात लॉजिक से समझो, मिनिमम मीडियन 2 मैक्सिमम 4, तो बिटवीन 2 एंड 4 लाया करना चाहिए, तो एटलीस्ट 2 से तो बड़ा होना चाहिए, ये दिया एटमोस्ट 1 खत्म, 1 से तक एटमोस्ट 2 खत्म, एटलीस्ट 1 खत्म, एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, यानी बेसिक स्टैटिस्टिक्स पढ़िए, आप क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए एक और क्वेश्चन है, लेट एफ आर टेंस टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ जीरो इक्वल टू 1/π, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ई पावर पाई एक्स माइनस 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल, एफ एक्स डिफरेंशियबल। अब देखो इसमें आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी की भी, डिफरेंशियबिलिटी की, और एफ डैश एक्स को भी चेक करना है, टाइम टेकिंग हो सकता है, बाद में करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्कोप है, बस किस थॉट के साथ क्वेश्चन देख रहे हो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है।
देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द इक्वेशन 6x² - xy + λy² = 0 रिप्रेजेंट टू परपेंडिकुलर लाइंस एंड टू लाइंस इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री. मतलब परपेंडिकुलर हो या फिर 45 डिग्री हो, यानी दो अलग अलग केसेस हैं तो दो अलग अलग लैम्डा आएंगे. अब आप लोग जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ते हो, जो मैं पहली क्लास में करवाता हूं, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी जीरो होता है और बाकी एंगल का फॉर्मूला ये होता है 2√h² - ab / a + b. राइट. अब सबसे पहला केस तो 6 + λ = 0 परपेंडिकुलर के लिए, सीधा सीधा तो λ = -6. अब देखो -6 तीन ऑप्शन में एक ही रिजेक्ट होता है, कोई बात नहीं, जो रिजेक्ट होते कर दीजिए. अब दूसरा केस थीटा 45. तो भाई थीटा 45 तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 45, ये मॉड के टर्म में लिखोगे आप क्योंकि एंगल गिवन है, या उधर ले लो तो 2√h कितना है 1/2, तो 1/4 - ab / a + b है ना. 10 45 हो गया 1, तो 6 + λ ऐसा प्लस ये अंडर रूट क्योंकि लिखा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, √1 - 24λ. अब आप ऑप्शन से भी कर सकते हो या स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लो. जैसे अगर आपने -2 रखा तो √1 - 48, तो +48 7 और ये 4, तो -2 नहीं हो सकता. राइट. 1 रखोगे तो ये नेगेटिव डिफाइंड नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता. मजबूरी का आंसर हो गया भाई, मजबूरी का आंसर हो गया ना -35. कितने सिंपल तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल करते हो, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा. बाकी आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते तो हो जाता, देखो 6 + 12λ + λ² = 1 - 24λ, λ² + 36λ, 6 का स्क्वायर 36 होगा, +35 = 0. देखो इसके फैक्टर बने λ + 1 λ + 35 = 0, तो लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, तो -35 इज अ राइट आंसर. यानी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बेसिक पता है, आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. लाइन L1, L2, L3 up to L10 आर डिस्टेंट अमंग विच आर लाइन्स L2, L4, L6, L8, L10 आर पैरेलल टू इच अदर एंड द लाइन L1, L3, L5, L7, L9 पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट सी. द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइन फ्रॉम द कंप्लीट सेट L1 to L10. दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आप ना भी करें पहले राउंड दूसरे राउंड में या लीव कर दें, पर क्वेश्चन समझिए. 10 लाइंस हैं जिसमें पांच लाइन ऐसी हैं L2, L4, L6, L8 और L10 पैरेलल है, और ऑड नंबर ऑफ लाइन जैसे L1, L3, L5, L7 और L9, ये कॉन्करेंट है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे मिल रही है. तो कितने पॉइंट मिल सकते हैं आप लॉजिक से समझ सकते हो, अगर एक लाइन कट करती हुई गई तो 5 पॉइंट मिल सकते हैं. राइट. ऐसे मान लो पहला लाइन है, इस तरह से सोचो आप 1, 2 है ना, 3, 4 और एक और ले लो 5, तो 5 मिलेंगे. तो 5 लाइनें कर रही तो 5 × 5 = 25, पर जो कॉन्करेंट लाइन है वो भी एक पॉइंट छोड़ देगी, तो 25 + 1 = 26. ये देखिए 25 भी दिया आंसर 26, क्योंकि जो पैरेलल लाइन है वो तो मीट नहीं करेंगी, पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक, और वो जो लाइन है हर लाइन 5 पैरेलल लाइन को कट करेगी 5 पॉइंट पे, तो 5 5 5 5 5 + 1. एंड अनदर अप्रोच, आपको याद हो जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, तो कॉलिनियर वाले कंसेप्ट भी यूज करते हैं कि 10 पॉइंट है प्लेन में और 4 कॉलिनियर है, तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप याद हो 10c2 - 4c2 + 1, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनती है. आप इस कंसेप्ट को भी यूज कर सकते हैं. कैसे समझिएगा, आपके पास टोटल 10 लाइन है तो 10 में से 2 सिलेक्ट करो एनी टू, पर जो पैरेलल है, जो पैरेलल है उनसे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, जो कॉन्करेंट है उनसे भी नहीं मिलेगा, बट कॉन्करेंट लाइन एक पॉइंट पे मीट करेंगी. बस सॉल्व कर लीजिए
आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 इंटू 9 बाय 2 माइनस 10 माइनस 10 प्लस 1, ये हो गया 5 टाइम कैंसिल, 45 प्लस 1 माइनस 20 एंड दिस इज 26। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर अप्रोच, एटीट्यूड, पेपर में कितने कूल काम है, डिप्रेस नहीं होना है, प्रेशर राइज नहीं होना है। किस बात का प्रेशर, पेपर बहुत पीसफुल माइंड से दीजिए, आप अच्छा कर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टू पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस सी एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx, ए बी ग्रेटर देन 0 कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल अनलेस, मतलब कॉमन टेंजेंट कब होगी अनलेस, मतलब इस कंडीशन के अलावा, तो पूछा ना कैन नॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल अनलेस। आप बताइए अगर आपको याद हो आपने पढ़ा हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा हो तो इसकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, और अगर इस फॉर्म में लिखी हो तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच माइनस 2am माइनस am क्यूब। बस आपको ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का कंडीशन पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपसे हैंडल होने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप बताइए क्या होगा, तो सबसे पहले आपको एक पैराबोला तो यही दिया है तो इसकी नॉर्मल की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स, तो m m इंटू एक्स प्लस सी माइनस 2 ए एम, ए है तो am माइनस ए एम क्यू। ऐसे ही y स्क्वायर इक्वल टू 4 बी एक्स की नॉर्मल क्या होगी बेटा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2 बी एम, बी आ जाएगा माइनस बी एम क्यू, ये 2 हो गई। y की ये जो वैल्यू है वो इधर डाल दो, तो आप जब डालोगे तो क्या होगा एम एक्स माइनस 2 बी एम माइनस बी एम क्यू इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो एम एक्स प्लस एम सी माइनस 2 ए एम माइनस ए एम क्यूब, राइट, एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, क्या रिजल्ट बचेगा, यहां थोड़ा रब कर रहा हूं आप ध्यान रखिएगा, अब रिजल्ट बताओ क्या बचा, माइनस 2 बी एम माइनस बी एम क्यूब इक्वल टू एम सी माइनस 2 ए एम माइनस ए एम क्यूब। अब एम पूरे में कॉमन दिख रहा है, कैंसिल कर दो, तो माइनस 2 बी माइनस बी एम स्क्वायर सी माइनस 2 एम माइनस ए एम स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं तो एम स्क्वायर कॉमन तो ए माइनस बी, इसको उधर ले जाते हैं तो सी माइनस ये 2 ए होगा, एम तो कैंसिल कर दिया था ना, तो माइनस 2 ए प्लस 2 बी, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी, 2 टाइम्स डिवाइड कर दो तो सी माइनस 2 अपॉन, बस सॉरी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस 2, ये एम स्क्वायर है यानी एम स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल मिली, तो एम की वैल्यू हो गई अंडर रूट सी अपॉन ए माइनस बी माइनस 2। अब ये कॉमन टेंजेंट होगी जब, कॉमन नॉर्मल होगी जब सी अपॉन ए माइनस बी ग्रेटर देन 2, तो सी ग्रेटर देन 2 इंटू ए माइनस बी, अनलेस कॉमन नॉर्मल नहीं होगी तो सी ग्रेटर देन 2 इंटू ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन के साथ ये टाइम टेकिंग हो सकता था नो डाउट थर्ड फोर्थ राउंड का, जो मैं आपसे बोलता हूं 50 में जब ये पूरा पेपर आपके साथ मैं एनालाइज कर लूं, दो क्वेश्चन ऐसे मिले जो आउट ऑफ सिलेबस भी थे उसमें कैंसिल हो गया, दो तीन क्वेश्चन जो टाइम टेकिंग थे वो छोड़े हुए हैं, दो ही छोड़े शायद, आई थिंक ये भी टाइम टेकिंग था, पर क्योंकि इसको मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता है आप क्वेश्चन कर लोगे, पर फिर भी वो क्वेश्चन मत करिए जो टाइम लेने वाले हैं, अदरवाइज आपका स्कोर कम हो सकता है, तो सिंपल क्वेश्चन को सबसे पहले करिएगा, ये ध्यान रखिए। अभी तो मैं क्योंकि एनालिसिस देता हूं तो कई बार सोचता हूं चलो आपको बताते चलू, पर आप ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 37 स्टूडेंट पास मैथमेटिक्स, 24 पास फिजिक्स एंड 43 पास केमिस्ट्री, एडिशनली नो मोर देन 19 स्टूडेंट पास बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, नो मोर देन 29 पास मैथमेटिक्स, नो मोर देन 20, ठीक है, व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड हैव पास ऑल थ्री एग्जाम। जब भी कभी, मैंने आपको सेट पढ़ाया हुआ है, जब भी कभी ऑल गिवन हो तो
वेन डायग्राम से करो, और ऑल गिवन ना हो तो फॉर्मूले से करो. कौन सा? अब जैसे मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, इंटरसेक्शन केमिस्ट्री को अगर लिखोगे, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट वैल्यू लिखना. माइनस फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स, माइनस एंड मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैथ्स मैथ्स के साथ सब होगा, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस तीनों. आप लोग ये बिल्कुल ना लिखें फॉर्मूला फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, आप तो डायरेक्ट लिखें ये कितना दिया है 50 इक्वल टू, सबसे पहले देखिए पढ़िए, 37 प्लस 24 प्लस 43 माइनस ऑफ कॉमन वाले लिखिए 19 29 एंड 20, और इसको प्लस मान लीजिए क्या x, इसको क्या मान लीजिए प्लस x, और अब इसको आप फटाक से सॉल्व कर लीजिए तो आपका तुरंत ही आंसर आ जाएगा, है ना. इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ गया, इसको ऐड करिए और इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो आंसर क्या है इसका, सॉल्व करिए इसको जरा आप फटाफट. राइट और ये इसको ऐड करिए, 30 प्लस 20 50 68 प्लस x. राइट अब आपको केवल x बताना है तो ये पहले इसमें से माइनस कर दीजिए, तो करिए माइनस तो कितना हो जाएगा, ये 50 भी इससे माइनस कर दीजिए, तो एक तरह से आप ऐसा लिख सकते हो कि माइनस ऑफ 54 प्लस 68 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू 14. इज दैट क्लियर. जहां पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लिखो, ना जो हुआ तो मत लिखो, ये समझाने के लिए बताया. आप आराम से इसको लेस देन वन मिनट के अंदर, वो टू मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते थे. देखिए क्या क्वेश्चन है, रीजन आर इज डिफाइंड एज रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेटिस्फाइंग द कंडीशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन 4 गिवन दैट अ पॉइंट पी आर कॉमा एस लाई इन रीजन. फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट आर ग्रेटर देन एस. अब सोचो अगर ये सर्कल होता तो कुछ ऐसा बनता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये होता 20, ये होता 02, राइट, ये -20 लाइक दिस. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला. अब आर ग्रेटर देन एस लिखा, अगर मैं इस पर एक मिड लाइन खींच लूं तो सोचिए इसके नीचे वाले एरिया में आर ग्रेटर देन एस होगा और इसके ऊपर वाले एरिया में आर लेस देन एस होगा. जैसे मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूं, मान लो एक एग्जांपल, तो 1, 1/2 हो सकता है जो उसको सेटिस्फाई करे, और इधर बोलूंगा तो 1/2, 1. तो जितना एरिया आर ग्रेटर देन एस का होगा उतना ही एरिया आर लेस देन एस का होगा. लेस देन 4 है तो ये बाउंड्री लाइन कवर नहीं होगी, पर एरिया तो बराबर होगा, जितना एरिया इसके लिए उतना ही इसके लिए, यानी दोनों केस में प्रोबेबिलिटी 50% होगी. तो आंसर इज 1/2, राइट. दोनों केस में प्रोबेबिलिटी 50% होगी, तो आंसर इज 1/2. ओके नोट कर लीजिए. चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आता है, सेट थ्योरी का है वो, सॉरी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी का. इसको भी वैसे बाद में करो तो अच्छा है, पर ये क्वेश्चन आपने कई बार करा हुआ होगा, है ना, इसलिए इसको हम देख लेते हैं, अदरवाइज मैं बोलता बाद में करना. सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि अगर कभी आपसे बोला जाए, अभी कभी आपसे बोला जाए साइन 1/x और लिमिट x टेंस टू 0 हो, तो साइन 1/0 ऑक्सीलेट करता है -1 से +1, पर इसको सैंडविच थ्योरम से कर सकते हैं, तो कंटिन्यूटी तो मिलती है. अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x क्या होगा, तो इसका लॉजिक यह है कि साइन 1/x लाय करता है -1 से +1 में, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब आपने सैंडविच थ्योरम पढ़ी है, लिमिट x टेंस टू 0 पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो इसका मतलब इसकी लिमिट मिलेगी और लिमिट होगी 0. आपसे पूछा है ट्रू, तो ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है मतलब एफ एक्स नॉट कंटिन्यूस वाला आंसर रॉन्ग हो जाएगा, राइट.
एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल, नॉट कंटिन्यूअस, यहां पे एफ डैश दिया है, ठीक है। अब एफ डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो और नॉट, तो अब इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियबल तो होता नहीं है ये, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ बन रहा है क्वेश्चन। अब मान लो मैं इसकी टू पूछा, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी करूं तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, टू एक्स साइन वन बाय एक्स माइनस, नहीं सॉरी, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वन बाय एक्स इंटू माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब सुनो, तो ये हो गया टू एक्स साइन वन बाय एक्स माइनस कॉस वन बाय एक्स। अब ये तो हो जाएगा कंटिन्यूअस, पर ये नहीं होगा, इसका मतलब जो इसका डिफरेंशिएशन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये करेक्ट। पर ऐसे कंक्लूजन वाले क्वेश्चन बिल्कुल पहले राउंड में मत उठाना, अगर स्ट्रॉन्ग कमांड, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इन सब पे ना हो तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आप लोग छोटी छोटी बातों का ध्यान दोगे आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। तो आपने इसमें क्या लगाया, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर लेफ्ट और राइट के आंसर इक्वल है तो ये भी इक्वल होगी, ये आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम में पढ़ा होगा। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी मिल गई, नॉट लिखा है वहां पर वो छोड़ दीजिए। अब ये नॉट एफ डैश नॉट कंटिन्यूअस, इसमें लिखा कंटिन्यूअस, नहीं कंटिन्यूअस नहीं है। तो ट्रू पूछा था, आपको सही बताना था आंसर, जिससे कि आपसे मिस्टेक ना हो, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स की पावर टू बाय थ्री सिक्स माइनस एक्स की पावर वन बाय थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दो दिए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, डिक्रीजिंग में लेस देन जीरो होता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना मिले पर एक टर्न मिले, कॉन्वेक्स वगैरह आपको चेक करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग हो सकता है, बाद में करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा बाद में आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड कंसिडर द सेट एक्स। आपको देख के ये फील आ सकता है क्वेश्चन टफ है, पर क्वेश्चन टफ नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जेड एंड वाई इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। मतलब आपको कुछ ऐसे सेट बताना है जिसका एक्स इंटरसेक्शन वाई हो। तो एक्स में कौन से लेना है पहले सुन लो, एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री, इसका मतलब अगर मैं एक्स के सेट बनाऊं तो देखो वन प्लस टू थ्री होता है, यानी पक्की बात हो गई, वन 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 माइनस वन माइनस वन वन और माइनस वन माइनस वन, स्क्वायर का फायदा उठाइए, यानी एक्स के तो चार ही होंगे। अब वाई के लिए बोला है, वाई जो है वो ऐसा है जिसमें एक्स ग्रेटर देन वाई, ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, कैसे टू वन थ्री टू ऐसे इनफाइनाइट, पर कॉमन बताना है। अगर यूनियन पूछा था तो इनफाइनाइट बोल देते हैं, पर यूनियन ने इंटरसेक्शन पूछा है, तो इंटरसेक्शन में बताइए कौन से ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक्स ग्रेटर देन वाई है, ये इक्वल है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दोनों का कॉमन पार्ट है, केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो दोनों का कॉमन पार्ट है। क्वेश्चन सिंपल था, थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या, इफ वन अर्थमेटिक मीन ए डैश एंड टू ज्योमेट्रिक मीन पी एंड क्यू बी इंसर्ट बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू। भाई ऐसे क्वेश्चन हमने प्रोग्रेशन में वैल्यू लेके किए, वैसे ही करेंगे ना, कि वन अर्थमेटिक मीन रखना है और टू ज्योमेट्रिक मीन, तो टू ज्योमेट्रिक मीन रखना है तो टू फोर एट ऐसा ले लो, तो पी हो गया टू, क्यू हो गया फोर, और वन और एट का अर्थमेटिक मीन होगा नाइन बाय टू, ये हो गया सारी। अब आपसे पूछा क्या है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, तो टू का क्यूब प्लस फोर का क्यूब, एट प्लस सिक्सटी फोर यानी सेवेंटी टू, जो आंसर सेवेंटी टू दे वो करेक्ट। ऑप्शन ए देखो, टू ए पी क्यू, टू से टू कैंसिल एट, यस दिस इज सेवेंटी टू, दिस वन इज अ राइट आंसर। देखो ये तो देख के पता चल रहा है बहुत छोटा है, ये डिवाइड हो रहा है छोटा हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है छोटा हो जाएगा। आप क्वेश्चन की अप्रोच को किस ढंग से करते हैं, वैल्यू लेके करोगे जल्दी हो गया, मेथड से करोगे थोड़ा टाइम लग सकता है, ये सब चीजों के कॉम्बिनेशन को अगर आपने बैलेंस कर लिया कि कहां ट्रिक कहां मेथड कहां लॉजिक कहां ऑप्शन, आप स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, अमंग द गिवन नंबर बिलो द स्मॉलेस्ट नंबर
विच व्हाइल डिवाइडेड बाय, वो ये कि स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो 9 का, 10 का, 15 का और 20 का, लीव द रिमाइंडर, ये तो जनरल मैथ्स का 4, 5, 10 एंड 15, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, राइट right? जैसे किसी भी नंबर में 9 का डिवाइड करोगे तो उसका सम 10 प्लस 13 4 ही मिलेगा, 14, ये एक मिनट, 8 प्लस 5 13, ये भी मतलब ये वाला तो सभी में हो रहा है, 10 का डिवाइड करोगे सब में 5 मिल रहा है, ये भी काम का नहीं। अब 15 का डिवाइड करो तो 15 का अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो 15 टू जा 35 एंड 14, ये 10 मिल रहा है, इसमें 15 का डिवाइड करो तो 11, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें करो 15 का डिवाइड, 15 थ्री जा 45 8, नो इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है शायद, है ना, हाँ ठीक है, एक मिनट, और आपको एक और बात बोली, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो ये 355 और 535 में ये स्मॉलेस्ट है, अच्छा इसमें 15 का डिवाइड करो तो 10 मिल रहा है, पर और 20 का डिवाइड करोगे तो 5, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज, सिंपल क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर इज 355, राइट 355, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन था, इजीली आप इसको क्रैक कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ 11 फंक्शन 1 2 3 ए बी सी डी ई इज द नंबर ऑफ 11 फंक्शन, फंक्शन पे मैपिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, 1 2 3 को मान लो ये 5 लेटर बॉक्स हैं या 5 बॉक्स हैं ऐसा सोचना है और यहां पे 1 2 3 रखना है, 1 2 3, 1 को रखने के 5 वेज, 1 1 है तो एक जो भी यूज हो गया वो कम, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3, 60, दिस इज द राइट आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चन थे, लेस देन 1 मिनट। आप सोचो अगर आप स्टार्टिंग में किसी क्वेश्चन में उलझ जाते, मान लो यही पेपर मिला होता यही सेट, तो आप पीछे तक पहुंचते नहीं, जहां पे सिंपल क्वेश्चन है आपके ओवरऑल अटेम्प्ट कम हो जाते। तो मैं आप सबको ये एक बात बिल्कुल क्लियरली बोल दूं, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही रैंक डिसाइड करता है, और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के बाद भी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच, स्टेप, लॉजिक, ट्रिक, ऑप्शन, ये सब बातें डिपेंड करेंगी। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ द लाइन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर सम रियल नंबर ए इज नॉर्मल टू द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1, देन बताना है कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहले तो ये देख के आप एकदम कंफ्यूज मत हो जाना, ये लीनियर इक्वेशन ही लिखी है, राइट, दिस इज लीनियर इक्वेशन, ऐसी लिखी है बस, ए को स्क्वायर कर दिया है, ये इसकी नॉर्मल है, तो अगर ये इसकी नॉर्मल है तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा माइनस ऑफ ए नॉर्मल का। अब इससे अब इसकी इक्वेशन बनाओ, डिफ्रेंशिएट करो, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया बेटा, एक्स अपॉन वाई, ये एक्स अपॉन वाई माइनस ए के इक्वल होगा, यानी एक्स इक्वल टू माइनस ए बाय, ये लाइन से निकाला है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, रख दो एक्स के माइनस ए वाई इंटू वाई इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाय ए। अब ये नॉर्मल हो तो ये रियल होना चाहिए, तो ए की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो ये डिफाइंड होगा, नहीं तो डिफाइंड नहीं होगा, तो ए की वैल्यू निगेटिव, ये दिख रहा है ए लेस देन 0, ये नहीं हो सकता, इसमें पॉजिटिव है, हो ही नहीं सकता। मतलब क्वेश्चन पढ़ो, देखो, होल्ड करो, जल्दबाजी मत करो, कोई कुछ नहीं जा रहा आपका, बस स्लो होके करोगे, आपके आपको अपने स्कोर आपको दिखने लग जाएंगे, राइट। ओ देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ, द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, 10 3 पाई बाय 4 प्लस थीटा, मेथड से सॉल्व कर सकते हो, पर आप इसमें चाहें थीटा को 0 ही ले लीजिए, तो 10 45 1, 10 3 45 माइनस 1, ये आ गया आंसर माइनस 1। पीछे आने पर ये पेपर वो है जो डाउनलोड किया, बिल्कुल सिंपल जिस ऑर्डर में दिया था, आप सोचिए आपको पेपर में 1 to 50 और 50 to 1 आना है, तो 1 to 50 और 50 to 1 जब ही आएंगे जब आप पहले राउंड में 1 मिनट, फिर 2 मिनट और फिर मोर देन 2 मिनट वाले क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट डिफाइंड ऑन अ सैंपल स्पेस ओमेगा, ओम सपोज ए कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेटिव टू सैंपल स्पेस, ठीक है, द प्रॉपर्टी दैट, ओके आपसे पूछा पी
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी बार यूनियन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, मतलब जब ए करे, अभी करा था आपने, तो बी ना करे, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब यही है, प्लस जब ए करे तो बी ना करे। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो ये मैंने बताया हुआ है, पी ए प्लस पी बी माइनस टू टाइम्स ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। याद रखिए पी ए बार का मतलब होता है वन माइनस पी ए, और पी ए इंटू पी बी का मतलब होता है, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, पी ए इंटरसेक्शन बी उसी ढंग से डिफाइंड किया है। तो दिस इज द राइट आंसर, यानी फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके इंटीग्रल का क्वेश्चन है, थोड़ा देख के करिएगा, हो जाएगा। देखिए पहला है ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रल के बाहर कभी वेरिएबल आ ही नहीं सकता, भले ये लिखा हो कंटिन्यूस, ये आंसर ये गलत है, ट्रू पूछा तो ए तो गलत है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद बोथ ए एंड बी, अब ए गलत है तो ये आंसर भी गलत हो गया। अब एक और दिया है एफ इज कंटिन्यूस देन डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर ये पूछा होता तो एफ एक्स होता, पर लिमिट दे दी, लिमिट से कांस्टेंट मिलता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये भी फॉल्स है, तो मजबूरी का आंसर हुआ बी एंड दिस इज राइट। ये टेक्निक मैं बहुत अच्छे से डेवलप करवाता हूं आपको, कि आपको राइट नहीं ढूंढना है, कई बार रॉन्ग भी ढूंढना है, जरूरी नहीं कि हर बार राइट पता, पर रॉन्ग के अप्रोच से भी राइट ढूंढा जा सकता है। अब जो दिया है वो भी देख लेते हैं, देखिए जीरो टू थ्री ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये देख के जरूर लग सकता है कि राइट नहीं है, ये देख के जरूर लग सकता है, बट ऐसा नहीं है। अब देखिए ए टू बी, ये जीरो टू फाइव दिया है तो आपको ब्रेकिंग प्रॉपर्टी पता होगी, जीरो टू थ्री ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री टू फाइव ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इंटरचेंज कर दें तो माइनस आता है, ये देखिए आपस में कैंसिल तो बचाइए, पर आप इसके बिना इस क्वेश्चन का सही आंसर दे चुके थे, बट पेपर तो नो डाउट कंसेप्चुअल है, अगर कंसेप्ट क्लियर है, बेस क्लियर है, याद नहीं करना है, कंसेप्ट बना के पढ़ाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए एट हाउ मेनी पॉइंट द फॉलोइंग कर्व इंटरसेक्ट, ओके देयर आर टू मेथड, एक डायग्राम एक एक्स या वाई की वैल्यू इसमें पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायग्राम से जल्दी कर सकते हो आई थिंक, देखते हैं। देखिए पहला कर्व है वाई स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू वन, ये है हाइपरबोला जिसका वर्टेक्स है जीरो थ्री अप वाला और जीरो माइनस थ्री डाउन वाला। ये अब एलिप्स जो दिया है वो ये दिया है वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर इक्वल टू वन, यानी सेंटर है जीरो कॉमा फोर, ये हो गया सेंटर जीरो कॉमा फोर और वर्टेक्स होंगे जीरो फोर, नहीं मतलब ए स्क्वायर दिया है सिक्सटीन तो ए की वैल्यू हो गई प्लस माइनस फोर, यानी सेंटर से फोर के डिस्टेंस पर, इसका मतलब यहां कहीं होगा राइट, यहां कहीं क्योंकि फोर फोर का डिस्टेंस लेना ऐसा लाइक दिस, तो दो ही पॉइंट पे मीट करता है वो दिख रहा है, तो आंसर इज टू, या फिर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो तो वाई से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। ओके क्वेश्चंस टफ नहीं थे, बस बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड और बहुत हाई लेवल एनर्जी और एनर्जी के साथ पढ़ना है, और पढ़ो भी भाई जहां पर एनर्जी आप फील कर पाओ, ये ध्यान रखो आप बिल्कुल क्लियर रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइट इज फोर क्यूबिक यूनिट हुज थ्री एजेस आर वॉल्यूम, अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, जब वेक्टर पढ़ते हो तो वॉल्यूम एप्लीकेशन होता है, ये फोर यूनिट दिया है और ये क्या क्या दिया देखो एम वन 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 माइनस वन 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 टू माइनस वन, सॉल्व कर दो बस इतना ही तो करना, एम इन टू वन माइनस टू माइनस वन प्लस वन के साथ करो वन प्लस वन प्लस वन के साथ करो टू प्लस वन, फोर इक्वल टू माइनस एम प्लस टू
तो एम इक्वल टू, एक मिनट ये देखें हम, एक मिनट, वन प्लस वन टू, ठीक है, और इसके साथ करोगे तो टू प्लस वन थ्री लिखना था, सॉरी, ठीक है, थ्री, तो एम इक्वल टू वन, एम इक्वल टू वन, इज दैट क्लियर। मतलब क्वेश्चन तो देखिए कि क्या क्या दिए, बस एंड तक जाना जरूर है, ध्यान रखना है, उसमें गड़बड़ मत कर देना। देखिए एक और क्वेश्चन है, इफ फॉर नॉन जीरो एक्स सी एफ एक्स प्लस डी एफ वन बाय एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस थ्री सी नॉट इक्वल टू डी वन टू ई एफ एक्स, बताना है। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर है कि नहीं वो देखते हैं। पहले तो याद रखिएगा जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, मॉड लॉग मॉड एक्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक्स की जगह वन बाय एक्स रख दो तो ये होता है माइनस लॉग एक्स, पर बाहर मॉड लगा है तो लॉग ही हो जाएगा, इसका फायदा मिलेगा आपको। क्या बताता हूं, देखो सी एफ एक्स प्लस डी एफ वन बाय एक्स इक्वल टू मॉड लॉग एक्स प्लस थ्री, और अब आपको वन टू ई में एफ एक्स को इंटीग्रेट करना तो एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो पुट, याद होगा इस तरह के क्वेश्चन फंक्शन में हम बहुत करते हैं, एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स, तो सी एफ वन बाय एक्स प्लस डी, वन बाय एक्स रखोगे तो वन बाय एक्स हो जाएगा, वो एक्स हो जाएगा। पर अगली स्टेप में क्योंकि बाहर मॉड लगा है तो लॉग एक्स ही रहेगा। अब आपको इसको एलिमिनेट करना है तो इसमें डी आना चाहिए और इसमें, इसमें डी आना चाहिए और इसमें सी, तो इसमें सी का मल्टीप्लाई कर दो। अब ट्रिक से बता रहा हूं ये, और इसमें डी का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। अब बताओ जैसे ही आपने इसमें सी और इसमें डी का करा तो ये कैंसिल, ये बचेगा सी स्क्वायर एफ एक्स, ये बचेगा माइनस डी स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर सी कॉमन ले लो, सॉरी लॉग एक्स कॉमन ले लो मॉड का, क्योंकि ये मॉड लॉग एक्स ही बचेगा, तो है ना, पहले पूरा इसको सी ओवरऑल, और थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा नहीं, पर यहां डी है, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको, लॉग एक्स कॉमन लोगे तो सी माइनस डी प्लस थ्री कॉमन लोगे तो सी माइनस डी। तो आप बताओ एफ एक्स क्या आ गया, अगर ध्यान से देखें तो सी माइनस डी का स्क्वायर, इसमें एफ एक्स कॉमन ले लोगे तो ये मिलेगा लॉग एक्स मॉड का प्लस थ्री इंटू सी माइनस डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, अब एक बात नोटिस करो, सी माइनस डी अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सब में दिया है, और सब में ही दिया है तो ये इसका कॉमन पार्ट हो गया, ये हमारे काम का ही नहीं था, ये तो मान लो आंसर में हो गया। अब आपको एक तरह से सोचना एफ एक्स ये मिल गया है मॉड लॉग एक्स प्लस थ्री, जिसका अभी हम इंटीग्रल करेंगे, राइट, जिसका अभी हम इंटीग्रल करेंगे। तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो बताओ क्या होगा, वन टू ई मॉड लॉग एक्स प्लस थ्री, अब वन से ई में लॉग मॉड पॉजिटिव ही होगा तो लॉग एक्स भी लिख सकते हो, है ना, वन टू थ्री में पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो अब क्या होगा, सिंपल, अब आप इसका इंटीग्रेशन करो तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री एक्स, ये इसका इंटीग्रल हो गया वन टू ई। अब बताओ कितना आ जाएगा, x log x प्लस टू एक्स वन टू ई रखिए, तो e रखा तो e प्लस टू ई, और वन रखिए तो माइनस ऑफ टू, तो थ्री ई माइनस टू, ये देखो किसमें, थ्री ई माइनस टू देखिए इसमें, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, हो सकता है एकदम क्लिक भी ना करे, पर अब देखो मैंने आपको लगभग पूरा पूरा ही पेपर बता दिया है ना। अब इस पूरे पेपर के साथ अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो 30 प्लस क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने बेसिक बुक अच्छे से सॉल्व कर रखी है बन जाएगा, बट होल्ड करना पड़ेगा, शांति से पेपर को सॉल्व करना है। बुक के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए 40 की रीच कर जाओगे, 40-42 पे ही तो फर्स्ट रैंकर है आपके सामने, तो है सब कुछ कहानी, थर्ड रैंकर 35 पे, इसका मतलब यह हुआ कि सब कुछ पॉसिबल है, बस पेपर को किस माइंडसेट से देखते हो, किस माइंडसेट से करते हो और कितना आप फोकस होकर पढ़ाई करते हो। प्रॉब्लम कहां है, भटकाने वाली, लोग भटकाएंगे,
एंड टाइम पे तो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भटकाएंगे, ये कर लो वो कर लो, आप मेन रिवीजन नहीं कर पाओगे और हो सकता है आपका पेपर उस चक्कर में बिगड़ जाए। तो आप खुद समझदार बनिए, पेपर को ऑब्जर्व करिए, पेपर को देखिए। अभी तो ये एक पेपर है, और भी पेपर आगे हम डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल आए हुए हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिक लेवल से हम कंसेप्ट बना के पढ़ रहे हैं और बहुत पीसफुल माइंड से पेपर दे रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और मैं फिर बोलूंगा, मिसगाइड नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर गाइडेंस जहां मिले उसी से जुड़िए, ठीक है। मिसगाइड तो बहुत कर देंगे, गाइड करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो बी केयरफुल। चलिए, तो अब जो क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे हम। तो आप लोग ध्यान रखिए इस बात का, पेपर को अच्छे से समझ लिया होगा तो आई थिंक अब कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा।